है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी। देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी। सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी। लेकिन सदा मुस्कुराते रहो तो आसान है जिंदगी। रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल चीफ स्पीकर सर, आवर गेस्ट, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर and parents and my dear teachers and dear young students, a very good noon to all of you. As we begin this workshop, we would like to offer our prayers to Ma Saraswati, and may I request our esteemed guests, principal sir, to please come and light the lamp. Today, students, I can guarantee you that once you go out of this auditorium today, you would have taken something unique in your life, which will add real value to your life long. Now, I call upon Principal Sir to welcome and give saplings to me in welcoming him to the stage by a huge round of applause. Sir, please. फ्रेंड्स, माई नेम इज, जैसा बताया, बी के प्रमोद कुमार। प्रोफेशनली आई वॉज अ फिजिक्स लेक्चरर, लगभग 14 ईयर तक एज ए फिजिक्स लेक्चरर काम किया है मैंने। मैं IIT के लिए क्वालिफाई हुआ था 1997, और मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ, जिसकी वजह से आई वॉज अनेबल टू कंटिन्यू दैट थिंग। इलाज कराया, उसके बाद मैं प्लेन एजुकेशन कम्प्लीट किया, और प्लेन एजुकेशन कम्प्लीट करने के बाद 14 साल तक एज ए फिजिक्स लेक्चरर काम किया है। आज मेरे स्टूडेंट्स पूरे इंडिया भर में हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई इंजीनियर्स हैं, कोई IPS ऑफिसर्स हैं, हर तरह के हैं। 14 ईयर्स में बहुत सारे काम किए हैं, और ब्रह्मा कुमारी से एसोसिएट हूँ लास्ट 26 ईयर्स से। जब 10th क्लास में पढ़ा करता था, तब से ही मैं एसोसिएट हूँ, और मैंने पूरा लाइफ डेडिकेट किया है गॉड को। आज मैं जो भी कुछ अर्निंग्स भी करता हूँ, तो वो केवल परमात्मा की सेवा और अपने माता पिता की सेवा के लिए करता हूँ। तो मेरा कोई भी, मेरी लाइफ का कोई भी ऐसा गोल नहीं है कि मैं किसी भी फिजिकल चीज़ को बहुत पसंद करता हूँ, या मेरी लाइफ में कोई फिजिकल गोल्स है। मैं जो भी कुछ आज की डेट में, अगर आप मेरी लाइफ स्टाइल को देखोगे, तो मैं बहुत ही एक बहुत सिंपल काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल में बिलीव करता हूँ। मैं आज जैसे मैं अभी भी ज़मीन पर सोता हूँ, जबकि मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। सो इट डजेंट मैटर, है ना, लाइफ। मैं आज आपके साथ जो बातें करूँगा, वो मैं किताबी ज्ञान नहीं बांटूंगा। टू बी वेरी फ्रेंक, मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, और मैंने 14 साल तक बच्चों को बहुत दिल से पढ़ाया है, और फिजिक्स का टीचर रहा हूँ, तो साइंटिफिक परसेप्शंस बहुत सारे मिलेंगे आज आपको देखने के लिए। और ऐसे परसेप्शंस मिलेंगे कि जो आज बात है कि भाई डर रहता है या फियर रहता है, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं होती हैं, सिर्फ परसेप्शंस हैं। बिलीव करना, आज जैसे जब तक सेशन एंड होगा, आज आप एक नई जिंदगी के साथ इस हॉल से बाहर निकलेंगे, मैं इतना आपको एश्योर कर सकता हूँ। बस इतनी बात मेरी ध्यान रखना कि आप जितने देर तक हॉल के अंदर हो, मेरा एक सवाल है आप सबसे, क्या इस हॉल में बैठे हुए आप बाहर का कुछ भी कर सकते हो? कोई भी कुछ कर सकते हो? बाहर के बारे में सोच सकते हो? सोच सकते हो, है ना। और सोचते सोचते ही हम वहां पहुंच जाते हैं बाहर के बारे में, जहां पहुंचना नहीं चाहते। हाँ, क्लास में हम क्या करते हैं? होते क्लास में है, सोचते कहां का है, तो फिर हमारे नंबर वैसे आते हैं जैसे आने नहीं चाहिए, क्योंकि हम क्लास में होते हैं लेकिन सोचते कहां का है? हाँ, बाहर का है। टीचर ने पप्पू से पूछा कि टोकरी में 10 आम है, 3 सड़ गए तो कितने बचे?
कितने थे बच्चे? हाँ देखो सारे समझदार बैठे। मैं वैसे भी ये बात, मेरा आज बिलीव है कि आजकल बच्चे पैदा नहीं होते, डाउनलोड होते हैं। सही बात है कि नहीं? इंटेलिजेंट है, सबके सब इंटेलिजेंट है जितने ये बैठे, कोई किसी के अंदर इंटेलिजेंसी कोई कमी नहीं है। और मैं आज आपको एक एश्योरेंस और देता हूं, आप यहां जितने बैठे हैं ना, जितने भी चाहे पेरेंट्स है चाहे बच्चे हैं, सबका इंटेलिजेंस इक्वल है, फील्ड अलग अलग है, सबका इक्वल है। लाइफ में ये बहुत सारे रॉन्ग परसेप्शन के साथ दुनिया जी रही होती है, ये ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये कम इंटेलिजेंट है, इसने किसी उसमें मार्क्स ले आए तो ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया। आप एक बार सोचे आईएएस ऑफिसर को बोलो जरा पंचर लागे था साइकिल में, उसकी नींद उड़ जाएगी, तब भी नहीं आएगा उसे लगाना। हाँ या ना? पक्की बात है ना? तो साइकिल में पंचर लगाने वाला व्यक्ति इंपॉर्टेंट है या नहीं? वो अपने फील्ड में इंटेलिजेंट है या नहीं? ऐसी बहुत सारी बातें करूंगा आज मैं आपके साथ। तैयार है आप सब? सो एकदम बोल्ड रहना, खुल के रहना। आप जितना मेरे साथ खुल के रहोगे उतना सीखोगे मेरे साथ, है ना? और मेरी आपसे बिल्कुल खुली एक छूट है, आप कोई भी सवाल किसी भी स्तर का पूछ सकते हो। आई एम रेडी फॉर दैट। आप बिल्कुल निडर होकर अगर बात करना, आज मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स दूंगा और वो टेक्निक्स इतनी सिंपल है, इतनी लॉजिकल है, इतनी रियलाइजेशन बेस्ड है। आप पता है मैं आज की डेट में, आप मेरे को बोलो, मैं किसी भी सब्जेक्ट को 18 घंटे लगातार पढ़ सकता हूं, 18 आवर कंसिस्टेंट। सो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं कोई स्पेशल नहीं हूं, आप एक तरह हड्डी मांस का बना हुआ हूं। हाँ या ना? कुछ अलग तो नहीं दिख रहा है ना? कपड़े सब देखो, टाई आपने लगाई है, मैंने भी लगाई है, सही बात है कि नहीं? कोट आपके पास भी है, मेरे पास भी, कलर अलग अलग हो सकता है, ये तो मैटर नहीं करता। पक्की बात ना? सब तैयार है? चलिए तो हम अब स्टार्ट करते हैं कुछियों को लेकर के। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? ये स्टोरी जरूर ध्यान से सुनना, क्योंकि ये स्टोरी अगर आपको समझ में आ गई तो बाकी सेशन आपके काम का है। इस स्टोरी ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया था जब मैंने इसको That is an amazing story ever. बच्चे ने पूछा अपने गुरु से कि मेरी जिंदगी का महत्व क्या है, What's the importance of my life? तो शिष्य ने, गुरु ने कहा कि बेटा कल बताएंगे, आज तुम ये पत्थर ले जाओ। एक पत्थर दे दिया उसको, रेड कलर का पत्थर था, जाओ इसकी कॉस्ट लगा के लाना, बेचना मत, बेचना मत, सिर्फ कॉस्ट लगवा के लाना। बाहर जाता है, एक संतरे वाला मिलता है, संतरे वाले को पत्थर दिखाता है, कहता है कि आप इसे कितने का लेंगे? कह रहे यार बड़ा चमकदार लग रहा है, 2 दर्जन संतरे ले जाओ, है ना? अभी क्या हुआ, उसने उस चीज के बारे में क्या सोचा होगा, 2 दर्जन संतरे नहीं नहीं बेचना नहीं है। आगे जाता है, सब्जी वाले के पास जाता है, सब्जी वाला कहता है यार बड़ा अच्छा पत्थर है, मेरे को दे दो, सब्जी की दुकान के आगे लटकाऊंगा, बहुत सारे लोग सब्जी लेने के लिए आएंगे। बोले बदले में क्या दोगे? बोले 2 बोरी आलू ले जाओ, 2 बोरी। जैसे क्या है कि एक आदमी को भूख लगी थी, भूख लगी थी, उससे पूछा 4 माना, तो बोलता है 4 रोटी, क्योंकि उसे क्या लगी थी, हमारा जो परसेप्शन होता है, जो हमारे साथ घटना घटित हो रही होती है, हम हर चीज को किस एंगल से देख रहे होते हैं, उसी एंगल से। सो उसने क्या बोला, 2 बोरी आलू ले जाओ। फिर वो एक जाकर के गुड्स में सुनार के पास में गया और जाकर के उससे पूछा कि भाई कितने का लोगे? बोलता 50 लाख रुपए का। जैसे कोई बहुत करीजियस होगा, कोई बहुत हेल्पफुल होगा आप में से, कोई बहुत ट्रूथफुल होगा, कोई बहुत केयरिंग होगा, कोई बहुत लविंग होगा, है या नहीं? सब में कोई ना कोई एक वैल्यू है या नहीं है? हाथ उठाओ जिसमें वैल्यू नहीं है, जिसमें कोई वैल्यू नहीं है वो हाथ उठाओ, ऐसा कोई नहीं है। इट मीन सबके अंदर वैल्यू है। सोच लिया आपने वैल्यू, अब आपको क्या करना है, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है? सबके पास जाके, कितने ज्यादा लोगों के पास जाके आप इंट्रोडक्शन देंगे, लेकिन कैसे इंट्रोडक्शन देना है, वो इंट्रोडक्शन नहीं देना है जो आपका नाम है। आपको क्या बोलना है, फोर्स मैं बताता हूं, जैसे मेरा नाम प्रमोद है, लेकिन नमी, मेरा नाम प्रमोद नहीं है, आई एम ऑनेस्टी। तो आपको जाके बोलना है आई एम केयर, आई एम लव, आई एम करेजियस, ठीक है? क्लियर है मेरी बात? और आप जाएंगे और जाकर के हैंडशेक करते हुए सामने वाले के लिए इस फीलिंग के साथ प्रदर्शन करेंगे, जो वैल्यू ईश्वर आपने मुझे दी है, ऐसी वैल्यू इस इंसान के अंदर भी आ जाए जो मेरे सामने मेरा फ्रेंड है। और इसमें यह जानना जरूरी नहीं कि आप किसी को जानते हैं नहीं जानते हैं, चाहे पेरेंट्स हैं चाहे बच्चे हैं, एवरीबॉडी इन्वॉल्व द एक्टिविटी। लाइफ में थोड़ी देर के लिए बच्चे बन जाओ सब। जितना ज्यादा हम समझदार बनते जाते हैं, उतने जिंदगी पर बर्डन इकट्ठे होते चले जाते हैं। याद रखिएगा, इनोसेंसी इज अ की टू सक्सीड इन लाइफ। क्लियर है मेरी बात? करेंगे जस्ट।
आप में से कौन सबसे ज्यादा वैल्यू कलेक्ट करके लेकर के आएगा उसको हम यहां बुलाएंगे। जाइए आप, पास 5 मिनट का टाइम है आप सबके पास। गो टू ईच एंड एवरी वन, आप जा सकते हैं, बीच में से निकल करके आप जा सकते हैं। यू कैन गो टू एवरी वन, आपको जाना है, हैंडशेक करना है और उस वैल्यू से इंट्रोड्यूस करना है अपने आपको, नाम से नहीं, बाय और वैल्यू। कौन ज्यादा कलेक्ट करे, देख कोई भी खड़े मत रहिए, जितना आप झिझकेंगे जिंदगी में सफलता उतनी दूर जाएगी आपसे। यस, गुड, पूरे उत्साह के साथ मिलिए, एंथू के साथ, कलेक्ट द मोर वैल्यूज। जितने ज्यादा लोगों के पास जाके अपनी वैल्यू देंगे उतने लोग वैल्यू मिलेगी। आप भी सर अकेले रह जाएंगे एक ही वैल्यू के साथ। गो टू एवरीवन, शेयर द थिंग्स। जितने ज्यादा हल्कापन रहेगा, अपने बच्चों के पास जाइए और बच्चों के पास ले जाइए, जितने लोगों से मिल सकते हैं, गो टू ईच एंड एवरीवन। शेयर योर वैल्यू एंड गेट द वन वैल्यू। आपके पास जो भी आ रहा है वो इस फीलिंग से आ रहा है कि वो आपको वैल्यू ट्रांसफर कर रहा है। वंडरफुल, ब्यूटिफुल। एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, स्टॉप। प्लीज बी सीटेड ऑन योर सीट्स। यस, गुड। कौन कौन है जिसने कम से कम 100 वैल्यूज कलेक्ट किए हैं, क्योंकि यहां पर मोर देन 100 है, आया ना? 50 किसने कलेक्ट किए? 50, 40, 40, वाओ, क्लैप करिए इन सब के लिए जिन्होंने 40 से, हाँ, 30, 30, 20, सबके लिए क्लैपिंग करते जाइए। वाह, 20 वाले बहुत सारे, गुड। अब आप ये सोचो, हमारे ज्योतिष कहता है 36 गुण होते हैं, है ना? आज में 36 तो ले लिए ना हमने, जिसने 40 लिए 36 आ गए उसके पास, क्योंकि 36 पीपल ने उसे ग्रीट किया अपनी वैल्यू से। अच्छा सच बताना, जब आप ये ग्रीटिंग कर रहे थे आपको कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था ना? पता है क्यों अच्छा लग रहा था? हमारा जो शरीर है वो किससे बना है? प्रकृति के 5 तत्वों से, 5 एलिमेंट से। ये तो सब क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट है? अच्छा, 5 एलिमेंट में से किसी भी एलिमेंट का नाम बताओ जो किसी से कुछ लेता हो। हर एलिमेंट देता है या लेता है? गिवर है या टेकर है? गिवर। सर चेक करो, पानी है वो भी देता है, अग्नि है वो भी देती है, आकाश है वो भी देता है, धरती है वो भी देती है, वायु है वो भी देती है, कोई लेता है? नहीं। और हम सब में क्या आदत पड़ गई है? गिफ्ट लेने की। जबकि ईश्वर ने हमें डिजाइन, सोचो आप, जो सोल है वो भी एक एनर्जी है। अच्छा पूरा देखो आप, ये पूरी दुनिया इनविजिबल एनर्जी से चलती है या विजिबल एनर्जी से? इनविजिबल। एक स्टेटमेंट लिख लो आप अपने पास, इनविजिबल क्रिएट एंड कंट्रोल द विजिबल। आप लोग पास डायरी पेंस है या नहीं? तो आप वर्कशॉप, जिनके पास नहीं है वो वर्कशॉप में क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैं तो इतनी बहुत सारी चीज बोलूंगा, सब तो आपको याद रहने वाली है नहीं? अभी बहुत कुछ चीजें ऐसी होंगी। वर्कशॉप में कभी भी कहीं जाते हैं, वहां क्या कराया जाएगा नहीं कराया जाएगा, अगर पास पेन पेपर नहीं है, यू आर नॉट सीरियस अबाउट द थिंग्स। और आज जितनी चीजें बताऊंगा ये बहुत डिफरेंट चीजें होंगी, अगर लिखेंगे तो ज्यादा सीखेंगे। यू गेट माई पॉइंट? आगे से भी हमेशा याद रखो, कभी भी लाइफ में कहीं भी आप जा रहे हो कुछ नया सीखने के लिए, यू नीड पेन एंड पेपर। ठीक है, तो 5 एलिमेंट। अब सोचो, इनविजिबल क्रिएट एंड कंट्रोल द विजिबल। आप देखो ये लाइट दिख रही है आपको, इलेक्ट्रिसिटी किस किस को दिख रही है? आपको रोशनी दिख रही है, रोशनी के पीछे कारण? आपको पेड़ दिखते हैं, कभी हवा दिखती है? आपको सन दिखता है, कभी गर्मी दिखती है? पर है या नहीं है? होती है ना। एक और चीज देखो आप,
जब आप किसी को प्यार से बात करते हो, पहले प्यार कौन फील करता है? इसका मतलब जितना ज्यादा हम देते हैं उतना ज्यादा हम फील करते हैं। सोचो आप, किसी को जब आप सुख देते हो तो वो सुख पहले कौन फील करता है? जब आप किसी को खुशी देते हो पहले वो खुशी कौन फील करता है? अच्छा, जब आप किसी पर गुस्सा करते हो तो गुस्सा किसे चलाता है पहले? आप बताओ, गुस्सा करने वाले को हार्ट अटैक आता है या जिस पर किया जाता है उसको? सुनने वाला झाड़ चला जाएगा, बोले तो ऐसे ही बोलता रहता है, उसका बीपी बढ़ जाएगा। हाँ या ना? तो प्यार करने में फायदा है गुस्सा करने में? क्या बढ़ना चाहिए अंदर में, प्यार या गुस्सा? कुछ लोग बड़े डरते रहते हैं, जैसे अभी भी डर के ऊपर बात चल रही है। मैं बाकी चीज करेक्ट करूंगा, ये सारी चीजें जितनी बातें आपको मैं दे रहा हूं। फियर की डेफिनेशन क्या है? फॉल्स एविडेंसेस अपीयरिंग रियल। फॉल्स एविडेंसेस अपीयरिंग रियल, पता ही नहीं है होगा या नहीं होगा। सोचा आज के डर रहा हूं, अभी अभी पता होगा या नहीं होगा। हाँ या ना? कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। अरे भाई, जब होगा तो देखा जाएगा। अभी सोच के क्यों प्रेशर बढ़ा रहे हो? जब जो होगा उसे देख लेंगे ना। वी नीड अ प्लानिंग, उसके लिए फियर है। आज बताऊंगा कि फियर का भी क्या रीजन है और कैसे चुटकी में खत्म होता है फियर। फियर कुछ है ही नहीं। फियर अगर अंदर में है, आपकी क्रिएटिविटी नष्ट हो जाएगी। आप कभी क्रिएटिव नहीं रहेंगे, आप कभी प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे। आप देख रहे, डरपोक आदमी को सामने रखी चीज भी नहीं दिखती। हाँ या ना? पता क्या होता है एग्जाम के दिनों में, खासकर क्या होता है बच्चों के साथ में, मतलब मैं टीचर रहा हूं 14 साल तक, तो बहुत पता है, बच्चों के बीच में ही रहा हूं। उनकी हालत क्या होती है? अब किसी ने किताब लिख दी है ना, वो 300 पेज की किताब है, 5 GB का डाटा और 3 GB की मेरी मेमोरी। अब 3 GB की मेमोरी में 5 GB का डाटा समाना है। हाँ या ना? अब 3 GB तो उसमें आ जाता है, अब 2 GB इधर उधर घूम रहा है। हाँ? और फिर क्या होता है, उसे जैसे तैसे करके लोड कर लिया। अब अंदर का जो स्पीड क्या है वो 256 kbps। हाँ? ऐसा है ना? अब क्या हुआ, एग्जाम हॉल में जब आप देखना, कई बच्चे जब एग्जाम में जाते हैं ना, किसे बात नहीं करते, बिल्कुल ऐसे जाते हैं, क्योंकि सब यहां है ना, हिल के कहीं गिर ना जाए। ऐसा है ना? बड़ा से और कोई बात बात नहीं कर रही, सबके बात बात करना, तूने बात करी तो गायब हो जाएगा, जैसे तैसे संभाल के रोका हुआ है अभी। ऐसा होता है ना? और जब स्कूल में अंदर पहुंचते, क्लासरूम के अंदर एग्जाम के टाइम पे, अब वहां पे जैसे ही गए, पहला क्वेश्चन सामने आया, अब 256 kbps से डाउनलोडिंग चालू है। हाँ, देखा तो था ये वाला डाउनलोडिंग। अब क्या है कि 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन पढ़े थे, 20-25 क्वेश्चन सामने आ गए, अब 30 क्वेश्चन की फाइल एक साथ खोल दी। अब अगर आपने 30 फाइल एक साथ खोल दी हो कंप्यूटर पर, तो क्या होगा? डाउनलोडिंग। 1.5 घंटा बीत गया, अभी क्या चल रही है? डाउनलोडिंग। टीचर बोलता है 1.5 घंटा गया, अभी क्या चालू है? डाउनलोडिंग। उसके अंदर क्या होता है? अब बचे 15 मिनट, बस 15, डाउनलोडिंग। 5 मिनट बचे हैं, डाउनलोडिंग। अभी क्या होगा? टीचर कॉपी छीन लेगा, सर बस। जब 3 घंटे में कुछ नहीं कर पाया तो अब क्या करेगा? अब क्या होता है, जैसे ही वो बाहर आता है, बाहर आते डाउनलोड हो गया। ओ, ये वाला क्वेश्चन तो आता था। होता ऐसा नहीं होता? होता है ना? क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? और कुछ लोग तो वाईफाई कनेक्ट हो जाते हैं, है ना, इधर वाले को वोडाफोन से, इधर वाले का आइडिया से, पीछे वाले का जियो से, लेकिन वहां पे कुछ समझदार होते हैं, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर लेते हैं, तो वो भी नहीं चलता, वाईफाई भी काम नहीं कर रहा होता। हाँ या ना? और फिर बाहर आके कहते हैं, यार तू पासवर्ड खोल सकता था ना। यही लाइफ है। आप अपनी मेमोरी का राइटली कैसे इस्तेमाल करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। आप एक टाइम पर एक काम करने की चॉइसेस कैसे करोगे, ये इंपॉर्टेंट है।
मैंने जितनी बातें करी बातें बहुत हंसी की हैं लेकिन बातें बहुत ही लॉजिकल हैं। ये हमने प्रैक्टिकली चीजें देखी कैसे। अभी हम आगे बढ़ेंगे, कुछ चीजें मैं स्लाइड के थ्रू जाऊंगा। नेक्स्ट, यहां पे एक क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑल ऑफ अस। हम सबके अंदर कुछ चीज कॉमन है, क्या क्या कॉमन है हम सब में? जितने साथी बैठे हैं, खड़े हैं, मैं कुछ भी है, कोई भी है, सब में एक चीज कॉमन है, क्या क्या? नेक्स्ट नेक्स्ट, लाइफ। हम सब जिंदा बैठे हैं यहां पर, हाँ या ना, सब सांस ले रहे हैं। एक मुर्दा में और एक जिंदा में क्या अंतर है? हाँ, जिंदा बात कर सकता है, मुर्दा बात नहीं कर सकता है, उसके अंदर जीवन नहीं है। लेकिन हर जीवन के चार पैरामीटर्स हैं। वो चार पैरामीटर्स कौन कौन से हैं वो देखेंगे हम। पहला पैरामीटर है फिजिकल। हर एक व्यक्ति की जिंदगी में पहला पैरामीटर है फिजिकल लाइफ, हाँ या ना। आप सबके पास फिजिकल जिंदगी है, शरीर है, शरीर संबंधित जरूरतें हैं, खाना है, पीना है, प्रोफेशन है, कैरियर है, पढ़ाई है, लिखाई है, बाहर जो भी दिख रहा है वो सब किस पे है? प्यास, भूख सब किसको लग रही है? फिजिकल को, हाँ या ना। हाँ, फिजिकल है। सेकंड है मेंटल है, थर्ड इमोशनल है, एंड फोर्थ आपका स्पिरिचुअल है। कोई भी इंसान हो उसकी जिंदगी के ये चार भाग है ही है, हाँ या ना। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, हम सबके दो हाथ हैं, टू हैंड्स है सबके, है ना। अच्छा, किसी के सीधे हाथ में ताकत ज्यादा है, किसी के उल्टे हाथ में ताकत ज्यादा है, जबकि हड्डी मांस ब्लड सब दोनों में बराबर बराबर है। एम आई करेक्ट और नॉट? ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? दोनों बराबर हैं, हाँ या ना। कि तभी देखो गांगुली लेफ्ट हैंड से छक्का मार देता था, सचिन तेंदुलकर राइट हैंड से मार देता था, हाँ या ना। किसी के सीधे में ताकत ज्यादा है, किसी के उल्टे में ताकत ज्यादा है, क्यों? कौन कौन सा यूज करता है, एम आई करेक्ट और नॉट? यानी कि यूज करने से किसी भी चीज की कैपेसिटी को एनहांस। अब सवाल यह है कि जिंदगी के चार पैरामीटर्स हैं, बट हम कौन से पैरामीटर पर ज्यादा ध्यान देते हैं? हेलो, कौन से पैरामीटर पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं बचपन से लेके बुढ़ापे तक? कौन सा पैरामीटर? फिजिकल। हमारा मन कब से बीमार है, कितना दुखी है, कितना अशांत है, उसकी कोई चिंता नहीं करेगा, शरीर को बुखार लगेगा तुरंत डॉक्टर के पास। माइंड कब से स्ट्रेस में है, चिंताओं में, दुखों में है, मन क्रोध कर रहा है, मन लोभ में फंसा हुआ है, बीमारियों में फंसा हुआ है, चिंताओं में फंसा हुआ है, उसे हम बीमारी नहीं समझते, उसे हम आदत मान करके अवॉइड करते रहते हैं। जबकि सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं जितनी भी बीमारियां हैं उनका कारण क्या है? स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, जो कि माइंड की प्रॉब्लम है, बॉडी की नहीं, हाँ या ना, पक्की बात है ना। तो प्रॉब्लम क्या है? मेंटल का ध्यान नहीं रखते, उसके बाद इमोशंस का तो कोई ध्यान रखता ही नहीं है। कैसे नहीं ध्यान रखता? घर में मां से बच्चा है, छोटा बच्चा है, उससे कप ऊपर से गिरा, टूट गया, मां आके क्या करती है, क्या करती है? एक थप्पड़ दसी और कप जुड़ जाता है एकदम, है ना, जुड़ा आज तक। लेकिन उस बेचारे का दिल टूट गया। एक बात आप दिल से सोचना, जब भी किसी व्यक्ति से कोई गलती होती है तब वो गिल्ट कॉन्शियस में होता है या नहीं? और गिल्ट कॉन्शियस वाले को मारा जाता है या सहानुभूति दी जाती है? बच्चे का पेपर खराब हो गया, मां बाप आते ही शुरू, तू तो नालायक ही है, तेरे तो बस की कुछ था ही नहीं है, तू कहां से पैदा हो गया, हमारे खानदान का नाम बदनाम कर, सब सुना देंगे उसे। वो बेचारा पहले से टूटा हुआ है, अभी उसे उस समय पर एक सपोर्ट चाहिए था, मॉरल सपोर्ट। अब आप सोचो, आपकी उन मधुर वाणियों से क्या पेरेंट्स बैठे हैं, आपके उन मीठे मीठे महावाक्यों से क्या पेपर ठीक हो गया? हम सब में से 99% लोग पास्ट पर रिएक्शन देते हैं जिसे कि करेक्ट किया नहीं जा सकता, हाँ या ना। आप पास्ट पर चिंतन करना अच्छी बात है, लेकिन पास्ट पर पश्चाताप करना और रिएक्शन देना शायद समझदारी की बात, क्योंकि जिस चीज को आप ठीक नहीं कर सकते उस पर परेशान होकर आप अपने वर्तमान में कार्य करने की क्षमता और भविष्य की प्लानिंग को प्रभावित कर रहे हैं, हाँ या ना।
क्योंकि जब आप गुस्से से भर जाएंगे, जब आप दुख से भर जाएंगे, जब आप पश्चाताप से भर जाएंगे, जब आप रिग्रेट से भर जाएंगे, जब आप में इमोशंस घर कर जाएंगे, आप अपनी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, प्लानिंग सब खराब कर लेंगे. Am I correct or not? So, आज के बाद एक सबसे कहना चाहूंगा, जब तक कोई काम हुआ नहीं है खूब सोचो उसके ऊपर, लेकिन अगर हो गया एक बार भी मत सोचो उसके ऊपर. सिर्फ ये देखो इससे मुझे लर्निंग क्या मिली, लिख लो उसको बड़ा बड़ा डायरी में. आज के बाद पास्ट में जब तक कोई चीज घटित हो गई, होने के बाद उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछना है, मैंने इस घटना से सीखा क्या. और याद रखना, जिंदगी की हर समस्या सिखाने के लिए आती है. जब तक आप उस समस्या के द्वारा सिखाए जाने वाला लेसन सीख नहीं जाते, वो समस्या आपके सामने रिपीट होती रहेगी. और जिस दिन आप वो लेसन सीख जाते हो, वो समस्या आपकी चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाती है. हाँ या ना? आप चेक कर लो, किसी भी प्रॉब्लम को चेक कर लो आप, ऐसा है या नहीं. नाउ तो इंपॉर्टेंट क्या है, इमोशंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि भावनाएं बड़ी कोमल होती हैं, रिश्ते भावनाएं बनाती हैं. हाँ या ना? हम रिश्ते जो बनते हैं किसी के भी, किसके वजह से बनते हैं, इमोशंस की वजह से, किसी और चीज की वजह से. सो इमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर किसी में इमोशंस ना हो, क्या उसको मानव कह सकते हैं? समझना है, हम सब कौन बैठे यहां पर? सोशल एनिमल. हाँ या ना? कौन बैठे हम सब? अगर मैं सोशल को हटा दूं तो क्या बचेंगे हम? किसी ने मेरे से पूछा, अच्छे कर्म की और बुरे कर्म की क्या पहचान है? मैंने उसे एक ही जवाब दिया, बहुत सिंपल सा. जो व्यक्ति सामाजिक और संवैधानिक नियमों का पालन करते हुए कर्म करता है, सामाजिक और संवैधानिक नियमों का पालन करते हुए कर्म करता है, दैट इज द राइट एक्शन. और जो सामाजिक और संवैधानिक नियमों की पालना नहीं करता, वो क्या है? अभी रेड लाइट है, रेड लाइट जंप करी तो हम कौन हो गए? एनिमल. रेड लाइट पर रुके तो क्या बने? सोशल एनिमल. समझना इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जैसे एक लॉयर काम है केस लड़ना, डॉक्टर काम है मरीज देखना, टीचर काम है पढ़ाना, माँ का काम है घर को मैनेज करना, ठीक है, पिता काम है घर के लिए जो भी जरूरी है वो अरेंज करना, स्टूडेंट का काम क्या है? पक्की बात ना? हेलो सभी स्टूडेंट्स, जोर से नहीं बोला कोई भी अभी, स्टूडेंट का काम क्या है? पढ़ना. क्या आप रियल में अपना काम ईमानदारी से करते हो? और अगर आप अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हो, तो कितनी संभावनाएं हैं कि आप भविष्य में उन पदों पर पहुंचेंगे जिन पदों पर पहुंचने के बारे में आप सपना देखते हैं. मैं कभी नहीं कहता कि पढ़ाई से इंटेलिजेंस आता है. कोई सचिन रमेश तेंदुलकर से कहता कि तेरे को बहुत अच्छा पढ़ना है तो कभी अच्छा क्रिकेटर नहीं होता. लेकिन मेरा सवाल यह है कि लाइफ में कोई तो गोल होगा आपका, लेकिन क्या उस गोल के लिए समर्पित हैं आप? क्या आपके माता पिता को संपूर्ण भरोसा है आपके अनुशासन पर, आपके कर्म करने के तरीकों पर, कि आपने जो गोल बना रखा, चाहे एक्टर बनना हो, चाहे क्रिकेटर बनना हो, चाहे फुटबॉलर बनना हो, चाहे गायक बनना हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी इन योर लाइफ, क्या आप उसके लिए डेडिकेटेड एंड डिसिप्लिन्ड हैं? सवाल यह है कि मुझे पढ़ाई भी ठीक से नहीं करनी है, मौज मस्ती के लिए खेलना है. लाइफ में अगर मेरे लिए, मैं हॉबीज में टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट तो हो सकते हैं, प्रोफेशन नहीं, कैरियर्स नहीं, मेरी महानता के कारण नहीं. आप मुझे बताइए, महात्मा गांधी के लिए अंग्रेज बड़ी समस्या थे या छोटी समस्या थे? पक्की बात ना? मानते हैं आप सब बड़ी समस्या थे? आप मुझे एक छोटा सवाल बताइए, क्या अंग्रेजों को, अगर अंग्रेज कभी भारत में ना आते, महात्मा गांधी की इतनी वैल्यू होती? तो वो उनके लिए समस्या थे या अपॉर्चुनिटी थे? तो आपके एग्जाम्स आपके लिए प्रॉब्लम है या अपॉर्चुनिटी है? अगर एग्जाम होना बंद हो जाए तो आपकी ग्रोथ होगी या रुक जाएगी? अच्छा, जितना टफ एग्जाम उतने ही बड़े रिवार्ड्स. हाँ या ना? आप मुझे बताओ, क्या एक आईएएस का एग्जाम टफ है या पियोन का? रिवार्ड आईएएस के बड़े हैं या पियोन के?
अब कभी ऐसा हो सकता है कि मैं पियोन के लेवल का डिसिप्लिन फॉलो करूं और आईएएस के लेवल की पोजीशन पाऊं? पॉसिबल? मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, आप लॉजिकली सोच सकते हो सारी सारी बातों को लेकर के। ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड इट। सो ये फिर लास्ट थिंग है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल हाँ, यहां पे थोड़ा आगे जाइए। स्पिरिचुअल से एक चीज हो, एक स्लाइड आएगा और आगे जाइए, और आगे जाइए, कॉन्सेंट्रेशन पे जाइए, कॉन्सेंट्रेशन पे। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इसको फिर वापस आएंगे बाद में। यस, क्या लिखा है ये? यहां पे किस किस की कॉन्सेंट्रेशन 100% है? रेज योर हैंड। ओह वाओ, ब्यूटीफुल, इनके लिए क्लैपिंग कीजिए जिनकी कॉन्सेंट्रेशन 100% है। जब क्लैपिंग ऐसी करिए, चाहते नहीं हो कि आपकी कभी हो जाए। जब आप किसी को सम्मान देते हो तो ऐसा सम्मान दो कि आपको लगना चाहिए कि आपने किसी को सम्मान दिया है। आप समझ रहे मेरी बात? जब भी आप कभी ताली बजाओ ना किसी बात पर, तो सबके सब एक साथ मिलकर अप्रिशिएशन की ताली बजाओ, आपको अच्छा लगेगा। जब आप अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करते हो तो वे चीजें आपके जीवन में भी आकर्षित होनी स्टार्ट हो जाती है। नाउ, आज मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूं। आप सबकी कॉन्सेंट्रेशन 100% है, यहां जितने भी बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं, और मैं ये प्रूव करूंगा साइंटिफिकली आपको। करूं प्रूफ? करूं प्रूफ? आप सब जब अपनी पसंद का काम करते हो, किस किस का ध्यान भटकता है? हेलो, तो प्रॉब्लम ध्यान में है या पसंद में है? तीन घंटे की मूवी चल रही हो तो सारे विवेकानंद हो जाते हैं, हाँ या ना? किसी को क्रिकेट खेलना पसंद हो तो भूख प्यास भी नहीं लगती उसे, ऐसा है या नहीं है? यमराज के पास एक लड़की गई, यमराज पूछ रहे उससे स्वर्ग जाएगी या नर्क, कहती जी कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक मोबाइल दे दो, एक चार्जर दे दो, जियो का नेटवर्क दिला दो, कहीं भेज दो, मेरे लिए तो नर्क भी स्वर्ग है, स्वर्ग भी फिर नर्क ही है। समझ आ रही है बात? कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम कहां है? कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम है, पसंद है प्रॉब्लम, इंटरेस्ट में है। और क्या चल रहा है? इतना मिथ है मेडिटेशन फॉर कॉन्सेंट्रेशन। भाई जो चीज 100% है उसे तुम कैसे बढ़ाओगे? हाँ या ना? आप खुद सोचो। अभी मैं आपको प्रूफ भी करूंगा, देखो एक चीज को लेकर के। यहां पे अभी क्या करेंगे, कोई भी दो तीन जने वॉलेंटियर यहां पे आ जाइए, चार लोग आ जाइए, चार लोग कोई भी वॉलेंटियर आ जाइए, बच्चों में से भी आ जाइए, बच्चों में से भी आइए, दो चार बच्चे भी आइए, पेरेंट्स भी आ गए, बच्चे भी आ जाइए, आइए, एक दो गर्ल्स में से आ जाइए, एक दो बॉयज में से आ जाइए। यस, जल्दी फटाफट स्पीड में, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, गुड। अभी आप सबको क्या करना है, जितने साथी नीचे रह गए आप लोग लाइन से, हाँ ठीक है, आपको क्या करना है, ठीक है, बिल्कुल सब एक लाइन में आ जाइए, बिल्कुल एकदम एक लाइन में सबके सामने। यस, आपको क्या करना है, यहां से और वहां तक आपको चल के जाना है। लेकिन कैसे चल के जाएंगे आप? जैसे ये आपका एक पैर है और एक ही लाइन में होना चाहिए, बिल्कुल सीधी लाइन, ऐसे इस तरीके से आपको देखना है कि एक बार भी पैर टेढ़ा नहीं होना चाहिए आपका, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और आप सबको इनको देखना है, जिन जिनकी भी नजर जा रही है पूरा ध्यान सामने देखना है कि ये कौन कौन बिल्कुल सीधा ही चल रहा है, कौन कौन टेढ़ा हुआ, इनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा किस किस के पैर टेढ़े पड़े हैं। पक्का ना? एवरीबॉडी सी, सबके साथ ध्यान से देखेंगे। यस प्लीज स्टार्ट कीजिए। यस बस स्टॉप। अब मेरा इन सबसे ही सवाल है, सबसे सवाल है, आप सबको जब मैंने चलने के लिए बोला, आपको अपने पैरों के अलावा क्या क्या दिखाई दिया इस हॉल में? क्या दिखाई दिया जी? नहीं, पैरों पे ध्यान था। हाँ, आपको भी क्या दिखाई दिया? पैरों पे ध्यान था। आपका भी? हाँ, पैरों पर, किसी को मम्मी याद आई, पापा, किताब, क्लास, टीचर, सामने वाले बच्चे, कुछ नहीं दिखाई दे? इनसे बड़ा विवेकानंद कोई हो सकता है? प्रॉब्लम। और आप सारे बच्चों को कौन दिख रहा था? आप सारे बच्चों को, सब लोगों को कौन दिख रहे थे? आप सबको क्या क्या याद आया इनके अलावा?
कुछ दिखाई दिया? क्लास याद आई? बैग याद आया? मम्मी पापा याद आए? कुछ और याद आया? नहीं। सो प्रॉब्लम कहां पर है? कॉन्सेंट्रेशन में या मेरे एम में, मेरे इंटरेस्ट में, मेरे एम में, मेरी लाइन ऑफ एक्यूरेसी में? मेरे पास जिंदगी कोई लाइन नहीं है। जब जब मेरे पास लाइन होती है तब तब मेरे पास चीजें बहुत ही इजीली होती हैं। हाँ या ना? थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। अंकित जोड़ा क्लैपिंग करेंगे हम। पॉइंट क्या है आज के बाद? कभी मत कहना कि मेरी कॉन्सेंट्रेशन वीक है ना। माँ बाप आते हैं हमारे पास, लेकिन हमारे बच्चों को मेडिटेशन सिखा दो, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बड़ी वीक है। अब प्रॉब्लम कॉन्सेंट्रेशन में है नहीं, तो ऐसी बात नहीं होगी कि भाई बीमार था लीवर, इलाज हार्ट का कर दिया, अब ना हार्ट बचा ना लीवर। कॉन्सेंट्रेशन में कोई प्रॉब्लम थी नहीं, इंटरेस्ट ठीक किया नहीं, अब ना इंटरेस्ट ठीक रहा ना कॉन्सेंट्रेशन। सही बात है कि नहीं? हाँ। सो नाउ अभी हम नेक्स्ट आगे जाएंगे, पीछे बैक जाएंगे। सो हमने जो बात करी थी कि लाइफ के बारे में, अब आप चेक करो लाइफ के जो चारों पैरामीटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग लाइफ आपके लिए आर्ट है या बर्डन है? हाँ जी, सच में? सच में? अच्छा, फिर एग्जाम का बोझ किस किस के मन पे है अभी भी? है एग्जाम का डर किस किस को लग रहा है अभी भी? लग रहा है? किस किस को लग रहा है? ईमानदारी से हाथ उठाओ, अभी भी किस किस को एग्जाम का डर लग रहा है? देखो आधों का तो खत्म हो गया है, सेशन के अंत तक बाकी का भी खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर बाद ये चला जाएगा। तैयार सब? बस फेथ के साथ बैठे रहो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लाइटी का बर्डन है, कहीं रिश्तेदारों का बर्डन है? मेरे को रिश्तेदारों का बहुत बर्डन था। मेरे घर रिश्तेदार आते थे, आते सबसे पहले, और बेटा कितने नंबर आए? तेरे को मेरे नंबरों से क्या लेना भाई, तुझे क्यों टेंशन हो रही है? अपने बच्चे की देख रहे जाके, मतलब उसके बच्चे के 70 भी नहीं आ रहे होंगे, वो मेरे 80 का कह रहा कुछ अच्छा नहीं हुआ है, और गुस्सा तो इतनी आती थी ना अंदर से, पर कुछ कर नहीं सकते, हमारी भारतीय संस्कृति है। नहीं पक्की बात है ना? पर अंदर से तो बहुत कुछ रहता था ना, बता ये और ऐसा था, ये और आ जाते घर में, मतलब वैसे ही माँ बाप पिछले छोड़ते, इनके आने के बाद और ज्यादा नहीं छोड़ते, ऐसा होता है ना? हाँ, मतलब अभी भी प्रक्रिया वैसी ही है जैसी हमारे जमाने में थी, है ना? देखो हम तो विंडो 97 के जमाने के हैं, है ना? आप तो पता नहीं कौन कौन सी आ गई है। समझना ये है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लाइफ होना चाहिए आर्ट, बट हो चुकी है क्या? बर्डन। अब आर्ट का मतलब क्या है? लाइफ आर्ट बनेगी कैसे? उसके लिए मुझे समझना पड़ेगा व्हाट इज आर्ट। नेक्स्ट, दैट इज आर्ट, राइट इट डाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक कमाल की चीज है अपनी लाइफ में। आर्ट में तीन वर्ड्स हैं, ए आर एंड टी। ए मींस अवेयरनेस, आर मींस रियलाइजेशन, एंड टी मींस ट्रांसफॉर्मेशन। अवेयरनेस, रियलाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। हम में बहुत सारी चीजों की अवेयरनेस तो होती है लेकिन रियलाइज, जैसे क्या है बच्चों को अवेयरनेस है, मेरे एग्जाम आ रहे, मेरे एग्जाम आ रहे, मेरे एग्जाम आ रहे, उसके बाद भी टीवी पर बैठा है वो, उसके बाद भी व्हाट्सएप पर चैटिंग जारी है, फेसबुक अभी भी चल रहा है, हाँ या ना? तो क्या उसे रियलाइज है कि एग्जाम आ रहे हैं? समझना ध्यान से, अवेयरनेस है, मुझे पता है एग्जाम है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी यदि मैं फील नहीं कर रहा हूं, मुझे रियलाइज नहीं है, कभी ट्रांसफॉर्मेशन होगा? होगा। मैं आपको ऐसा एग्जांपल देता हूं, सपोज मुझे क्रोध आता है, गुस्सा आता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि यार इतना गुस्सा तो जरूरी है ना जिंदगी के लिए, तो ये मेरी अवेयरनेस तो है कि मुझे गुस्सा आता है, लेकिन क्या मुझे रियलाइज है कि मुझे गुस्सा आता है? और जब तक रियलाइज नहीं है तब तक ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी नहीं होगी। और याद रखना, मैंने यहां वर्ड इस्तेमाल किया, मैं बहुत स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, ट्रांसफॉर्मेशन। हमने यहां पे चेंज वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। क्या इस्तेमाल किया? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन मीनिंग है, खास बात है, ट्रांजेंट इन द फॉर्म बाय टेकिंग द राइट एक्शंस, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज गोइंग टुवर्ड्स द हाईएस्ट। चेंज कुड बी गुड, कुड बी बैड, बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज फॉर द बेस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी बैड डायरेक्शन में जाता ही नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज गोज टुवर्ड्स द हाईएस्ट। क्लियर भाई? क्लियर हो रही है मेरी बात? So, ये कब आएगा? जब मेरी अवेयरनेस इज राइट होंगी, व्हेन आई रियलाइज इन अ राइट वे, देन आई कैन ट्रांसफॉर्म माय लाइफ इन अ राइट वे। अगर अवेयरनेस है और मैं सोच रहा हूं ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, कभी नहीं होगा जब तक कि वो मुझे रियलाइज मैं गलती कर रहा हूं, लेकिन मुझे रियलाइज नहीं है कि मैं गलती कर रहा हूं, वो गलती कभी मेरे से छूटेगी ही नहीं।
जैसे क्या किसी का वजन बढ़ा हुआ है लेकिन वो फिर भी पिज्जा बर्गर दबा खा रहा है, उसे पता है पिज्जा बर्गर फास्ट फूड है, खराब चीज है, लेकिन फिर क्या होता है, अरे इतना तो चलता है ना, अब वो चल ही रहा है। संता गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मेरा ना वजन बहुत बढ़ गया है। बोले हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। तो बोले कि कितना कम करने की जरूरत है, बोले 50 किलो। बोले कैसे कम होगा, बोले 5 किलोमीटर रोज पैदल चलो, है ना। अब ठीक है जी, चलता चला गया, उसने कर किया, अब फोन आते, अरे डॉक्टर साहब मेरा वजन कम हो गया, वजन कम हो गया, 50 किलो कम हो गया, ओ ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। बोले वजन तो कम हो गया पर ये बताओ 1825 किलोमीटर वापस कैसे आऊं। समझ आई ना बात। तो क्या है, अवेयरनेस सही है बट अगर रियलाइजेशन नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशन सही दिशा में नहीं जा सकता। गणित के टीचर एक होटल के अंदर गए और जाकर के खाना खा रहे थे, कटोरी में कुछ था ही नहीं लेकिन कटोरी में रोटी भिगो भिगो खा रहे थे। किसी ने आके पूछा, सर ये क्या कर रहे हो, कहा खाली कटोरी में रोटी भिगो खा रहे हो, बोले मैंने मान लिया दाल है, मान लिया। सपोज मैथ का तो हर चीज किससे शुरू होती है, सपोज सही बात है कि नहीं, कॉमन सेंस का गेम है। एक बार क्या हुआ, एक बुढ़िया, ये थोड़ा समझ में आएगा आपको मैं क्यों बता रहा हूं, आर्ट जिंदगी जीने में ना एक एंथुसियाज्म चाहिए। एक बुढ़िया 70 साल की बैंक पहुंची, ये जोक जरूर है लेकिन ये जोक आपकी लाइफ को एक नया परसेप्शन देगा, मैं भी बात करूंगा अगला करके। वो गया और बुढ़िया थी, बुढ़िया ने बैंक गई, बैंक जाकर के बैंक से बोल, बैंक मैनेजर से कहती है ऐसे के मैनेजर से कि भाई आप जो है मेरा खाता खोलो, तो वो सेविंग अकाउंट दे देता है, भाई 70 साल की बुजुर्ग है तो सेविंग अकाउंट ठीक है। बोलती है करंट अकाउंट खोलना है, करंट। वो देखता है, बोले करंट तो बिजनेस के लिए खोल जाता है। बोले तो हाँ मैं भी बिजनेस वूमेन हूं। कहता आप कौन सा बिजनेस करती हो, कहती है शर्त लगाने का। कौन सा बिजनेस करती हो, शर्त लगाने का। बोले शर्त लगाने का बिजनेस, बोले हाँ। बोले तू शर्त लगा ले, तेरे तेरे सिर पे बिग लगा रखी है, तेरे रियल बाल नहीं है। बैंक मैनेजर को टेंशन हो गई, कहता मैं तो रियल है, झूके देख रहा है वो, कह रहा इतना ही कॉन्फिडेंस है शर्त लगा ले 1,00,000 रुपए। मैनेजर को टेंशन हो गई, बुढ़िया कह क्या रही, मेरे रियल बाल है, 1,00,000 की शर्त लगा रही है, हार जाएगी। बोले तू मेरे हार में चिंता क्यों कर रहा है, तू शर्त लगा, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है। तो अब वो किताब में आ गया, ठीक है तो लग गई सर। कहता है पता करो प्रूफ। बोले ऐसे थोड़ी प्रूफ करूंगी, मैं कल अपना वकील लाऊंगी, तू नाट गया तो यार बुढ़िया तो बड़ी तेज है। तो कहता है ठीक है हो गई। अब मेरे को रात भर नींद नहीं आई, कह रहा यार रियल बाल में छू छू के देख रहा बार बार। अभी अगले दिन बुढ़िया आ गई है ना वकील साहब को लेकर के पूरा कोर्ट में। बोले वकील साहब तुम बाहर बैठो, बाहर बैठा दिया। अंदर गई जाके हाँ करो प्रूफ। अब उसके बाद जाके खींचने लगी, अब वो चिल्ला रहा है देख मेरे रियल बाल है, लग नहीं है, देख तेरी हरकत देख करके तेरा वकील भी चिल्ला रहा है, वो अपना सिर पीट रहा है। बोले तो पीटे गई। बोले क्यों, बोले सर 5,00,000 की शर्त लगा के लाई हूं कि यहां के सबसे बड़े बैंक के मैनेजर के बाल खींच के दिखाऊंगी। चार लाख फिर भी नहीं रहे, 1,00,000 दे दिए। गेम ऑफ कॉमन सेंस, लाइफ इज जस्ट नथिंग। जीने का नजरिया चाहिए, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, उसको जीने का तरीका और नजरिया चाहिए। लाइफ इज रियली एन आर्ट। 70 साल की बुढ़िया ने आर्ट बना दिया, नहीं बना दिया, दैट इज कॉल्ड आर्ट। क्या उसने किसी को चीट किया, नो, बहुत सारे बेवकूफ है धरती पे जो इसीलिए कमाते हैं कि किसी का और का भला हो सके। हाँ या ना, सिंपल चीज ना। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अपने आप को चेक करना है आपको लाइफ में, मेरी अवेयरनेसेस क्या क्या है, मैं रियलाइज क्या क्या करता हूं और मैं कहां कहां ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, मेरे कौन कौन से थॉट्स हैं, मेरे कौन कौन से एक्शंस हैं जो टुवर्ड्स मुझे हाईएस्ट ले जा रहे हैं। अपने पूरे दिन की एक दिन प्लानिंग बना करके बैठो, रियलाइज योर लाइफ, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। रिस्पेक्ट योर लाइफ, इफ यू डू नॉट रिस्पेक्ट योर लाइफ नोबडी बॉदर अबाउट।
Are you getting me? समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? मैं पहुंच रहा हूं आप तक. Now next. So आर्ट के बाद हम एक और चीज पे आने वाले हैं कि बहुत स्पेशल क्वेश्चन है. यहां पे मैं आपको बहुत मतलब यहां से एक ऐसी चीज स्टार्ट होने वाली है जो आपके एग्जाम वेग्जाम सारी जिंदगी को आपको सेट कर देगी. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द लाइफ. आपको अपनी जिंदगी में कुछ भी चाहिए, अपनी लाइफ को आपको आर्ट बनाना हो, अपने रिलेशंस को ब्यूटीफुल बनाना हो, अपनी जिंदगी को एंथुसियास्टिक बनाना हो, वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ रिलेशन, इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ कैरियर, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, विच प्लेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ. नेक्स्ट, योर माइंड और योर बॉडी. क्या चीज ज्यादा रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में कुछ भी पाने में? माइंड और बॉडी. पक्की बात ना? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, कौन कौन माइंड के साथ में हाथ उठाओ. ग्रेट. कौन कौन बॉडी के साथ है? अच्छा, कुछ बॉडी के साथ वाले भी हैं. अरे वाह, ये साइंस वाले हैं वैसे. स्टीवन हॉकिंस की बॉडी का कौन सा पार्ट ठीक है? था अब तो वो नहीं है, केवल ब्रेन ही ठीक है. इसलिए दोस्त इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपकी जो भी रिस्पेक्ट है वो किसकी वजह से है? पागल के पास बॉडी होती है, बस यही नहीं होता. लेकिन कुछ पागलों में यह होता है. एक बार क्या हुआ, एक कार वाला बंदा कार लेकर के जा रहा था. अभी क्या हुआ, पागल खाने के सामने उसकी जो है वो पंचर होगी, कार पंचर होगी, तो उसने स्टेपनी निकाली, चारों बोल्ट निकाले, साइड में रख रखे थे. अब जैसे टायर को निकाल के लगाने लगा, उतने में कोई ट्रक आया और चारों बोल्ट नाली में. बहुत टेंशन हो गया, अब क्या करूं. एक कोई ऑटो वाला आया, बोला जी मैं ला देता हूं, मुझे 200 रुपए दे दो. 200 रुपए उसको दे दिए कि मैं बोल्ट ला देता हूं. वो चला गया. ये सब नजारा ऊपर से एक पागल देख रहा था. पागल खाने से वो नीचे उतर के आया, बोले कि इंतजार मत करो, वो नहीं आएगा. फिर अच्छा, तो बोले चार तीनों टायरों से एक एक बोल्ट खोल ले और लगा ले और लेके चला जा, जहां मिले वहां चार लगा लेना. तो उसे देख के बड़ा अचंभे से कहता है, यार तुझे कैसे पता, तू तो पागल है. कह रहा पागल हूं, बेवकूफ नहीं. समझ आए ना बात? कॉमन सेंस की जिंदगी है पूरी. नाउ तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? माइंड, नॉट बॉडी. नेक्स्ट, आप सबने चूज किया माइंड. अब सवाल ये है, नेक्स्ट माइंड के बारे में, नेक्स्ट हमें एक चीज समझना है कि जो माइंड है, इस माइंड के अंदर जो कुछ चीज चलती है, इस माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में आती हैं. वो चीजें क्या क्या आती हैं, अभी उनकी बात करेंगे हम कि माइंड किस किस चीज पे काम करता है. नेक्स्ट, हम सब इंडिविजुअल होते हैं और हमारी जिंदगी में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं. आपका एग्जाम भी आपका एक इवेंट है. मम्मी ने कुछ कहा, यह भी एक इवेंट है. आप बाजार गए, वो एक इवेंट है. आप ड्राइविंग कर रहे, एक इवेंट है. हमारी जिंदगी में इवेंट हमेशा अलग होता है, हाँ या ना? आप में सबकी जिंदगी में आप अलग हो और इवेंट अलग है, हाँ या ना? ना आपको इवेंट परेशान करता है, बल्कि परेशान क्या करता है, उस इवेंट को जो आप मीनिंग देते हो. एक व्यक्ति है, बोलेगा इतनी बड़ी बात थी. कोई बोलेगा अरे जरा सी तो बात है. क्या हो रहा है? बात सेम है. जैसे आप देखो, मैं यहां पर एक व्यक्ति हूं, मैं भी यहां पर सिचुएशन क्रिएट करता हूं, मैं कुछ ऐसा बात करता हूं आपके साथ में कि जो अप्रोप्रिएट नहीं है. ठीक है, अभी आप मुझे खुद सोच के बताइए, क्या आप सबका रिएक्शन सेम होगा? सबका रिएक्शन कैसा है? अक्सर बोलते इसकी वजह से गुस्सा आ गया, उसकी वजह से गुस्सा आ गया, किसी की वजह से गुस्सा आ गया या मुझ में गुस्सा था इसलिए. इवेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. घटना किसी भी बात के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है. हम उस घटना को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, यह इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, यही चीज हमारी इमोशनल स्टेट ऑफ बीइंग कहलाती है. कोई कोई घटना को लेकर, जैसे एग्जाम है, जिनको डर लग रहा है ना, अभी एग्जाम एक ही घटना है, इतने सारे बच्चों को डर नहीं लग रहा था, कुछ बच्चों को डर लग रहा है. क्यों डर लग रहा है? इवेंट सेम है. कोई बिल्कुल निडर है, कोई है जिसको डर लग रहा है. जिसको डर लग रहा है, इसका मतलब उसकी प्रिपरेशन अप्रोप्रिएट नहीं है. उसने लाइफ के रियल मीनिंग को समझ नहीं पाया. वो लाइफ का, अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछूं कि व्हाट इज लाइफ, तो आप क्या कहेंगे? लाइफ इज जस्ट नथिंग, इट्स अ टाइम. टाइम वेस्ट, लाइफ वेस्ट.
टाइम सफल, लाइफ सफल, हाँ या ना? पक्की बात है ना? एक बार शाम बैठा हुआ है, बस बैठा ही हुआ है, राम पूछता है, अरे तू क्यों बैठा है? बोले बदला ले रहा हूं, बदला। बोले बदला ले रहा है किससे? टाइम से। बोले टाइम से कैसे बदला ले रहा है? बोले पहले उसने मुझे बर्बाद किया, अब मैं उसे बर्बाद कर रहा हूं, है ना? आप में से भी कुछ होंगे जो श्याम की कैटेगरी में होंगे अभी, आया ना? समझना है इवेंट क्या है, अंडरस्टैंड इट। सो अगर इमोशनल आपके स्टेबल हैं तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, अनस्टेबल हैं तो आपका डिस्टर्ब इंटेलिजेंस है। आप चेक करना जितने भी डिस्टर्बेंसेस आपकी लाइफ में होते हैं, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, वो आपके इमोशनल लेवल पर ही होते हैं और कहीं नहीं होते। दुनिया का एक सबसे बड़ा झूठ बताऊं आपको, आजकल बहुत चलता है, पहले इतना नहीं था, बट जब से ये फिल्मों का दौर, इंटरनेट का दौर कुछ ज्यादा आया तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर कुछ ज्यादा होने लगे, है ना? और दुनिया की सबसे बुरी घटना पता बताता हूं आपको क्या है, दुनिया का सबसे झूठा स्टेटमेंट बताऊं आपको क्या है, आई लव यू। ये सबसे फॉल्स स्टेटमेंट है। मैं बताता हूं कैसे, मैं हर बात को साइंस का आदमी हूं, प्रूव भी करके बताता हूं। आप एक बार सोचो, सपोज मैं किससे कह रहा हूं आई लव यू, आपके बिना मैं रह नहीं सकता हूं, इसका मतलब क्या है? तुम पास रहते हो तो मेरे दिल में दर्द नहीं होता, इसका मतलब मैं अपने दिल के दर्द से प्यार कर रहा हूं या तुमसे? बोलो बोलो बोलो, किससे? मेरे अंदर परेशानी हो रही है इसलिए तुम यहां रहो। जिस दिन दर्द शिफ्ट, लव यू शिफ्ट। आज किसी और की वजह से दर्द नहीं हो रहा है, हाँ या ना? तो मैं किसी और से प्यार कर रहा हूं या अपने दर्द से प्यार कर रहा हूं? ये सबसे कड़ा सत्य है। इस धरती पर हर इंसान स्वयं के अलावा किसी को प्यार नहीं करता। और एक और चीज सोच लेना, लव कभी भी किसी को डिपेंडेंट नहीं बनाता, अटैचमेंट डिपेंडेंट बनाता है। यदि आपके रहने से मुझे अच्छा लगता है तो मैं डिपेंडेंट हो गया हूं और ये मेरे लिए खुशी की बात नहीं है, इससे ज्यादा दर्द की बात कोई नहीं सोचती, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर गलत लोगों पर मेरी डिपेंडेंसी बन गई तो मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। सो ये मत बोलो आई लव यू, बोलो आई लाइक यू, आई एम अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, आई एम इंटरेस्टेड इन यू। इंटरेस्टेड का मतलब ही होता है आई एम अरेस्टेड बाई यू। जब कोई बोले यू आर वेरी इंप्रेसिव, तो जब आप किसी को बोल रहे हो कि आप इंप्रेसिव हो तो इनडायरेक्टली आप कह रहे हो आई एम प्रेस बाई यू। देखो सारे लोग इसलिए हंस रहे हैं कि सब घटना आपके साथ हो रही है, मुझे पता है। देखो घटना होना बुरी बात नहीं है, लेकिन घटना में अंडरस्टैंडिंग टाइम पे आ जाए तो अच्छी बात है। मैं बच्चों के साथ इसीलिए, पता है आज तक का रिकॉर्ड है, शुरू में जब बच्चों बहुत गुस्सा आता था, मैंने बहुत पिटाई की बच्चों की, बहुत पीटता था बहुत। फिर मुझे एक दिन समझ में आया, यार मैं पिटाई करता हूं तो किसकी पिटाई करता हूं, शरीर की या माइंड की? बताओ किसको पीटूंगा मैं? अच्छा अब शरीर को पीट के माइंड को पढ़ाऊंगा, अब बताओ किसी के शरीर को पीटूंगा तो माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा? अब बताओ डिस्टर्ब करके किसी को, पहले खुद को गुस्सा दिलाओ, खुद का माइंड डिस्टर्ब करो, फिर बहुत सारे दिमागों को डिस्टर्ब करो, और फिर उन्हें फिजिक्स पढ़ाने की कोशिश करो, कितना बड़ा मूर्ख हूं मैं, हाँ या ना? बहुत सारे टीचर्स यही करते रहते, चिल्लाते रहेंगे पागल इधर, और ये पता नहीं चिल्लाने में खुद की एनर्जी जा रही है, सामने वाला मजे लेकर चिल्लाता रहे, मेरा तो टाइम पास हो रहा है, हाँ या ना? इट्स सो सिंपल, ऐसा हो रहा है ना? मेरे साथ एक घटना है, मैं धर्म पब्लिक स्कूल में फिजिक्स लेक्चर पढ़ा रहा था, और मैं क्या हुआ कि जा करके एक बार ऐसे ही बच्चे क्लास में, अब साइंस के बच्चे थोड़े से आपको पता भी होते भी कैसे, ये साइंस वाले कौन कौन उठाना, ये सब आइंस्टाइन के खानदान के हैं, इनकी खोपड़ी सीधी चलती ही नहीं है,
मैं भी साइंस कहूँ नहीं चलती ना सीधी, चलती नहीं है, और सीधी चली तो साइंस ही क्या सीखी, सीधी चली तो आठ साइड की होती है ना, हाँ या ना, चलनी नहीं चाहिए सीधी कभी भी, लेकिन वो सीधी ना चलना गलत जगह चल जाती है। बच्चे मेरी तरफ को देख रहे हैं और वो हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं और मैं क्लास में खड़ा हूँ। मुझे 2007-08 की बात थी, इतना गुस्सा आया अंदर से। अब एक्चुअली मैं ये बैज हमेशा लगा के रखता हूँ, ओम शांति। दिक्कत ये है कि ओम शांति है तो गुस्सा कैसे करूं, है ना, पर अंदर से तो बहुत तेज आ रहा है। मन में आया डंडा उठाऊं, ठुकाई कर दूं लाइन से इनकी सबकी। फिर मैंने कहा बेटा ठुकाई तो कर देगा, फिर ये तेरे ऐसे से नाम रखेंगे पूरे साल, है ना। आप सारे बच्चों को नाम रखने आते हैं ना, और सबने रख रखे होंगे टीचर से गारंटी से, हाँ वो पता है। आज मैं सबके दिल की बात कर रहा हूं, राइट। अब मेरे साथ यही हुआ, मैंने सोचा भाई मैं संभल गया, मैंने कहा अगर आज गड़बड़ की तो ये ओम शांति का बैज लगाना भारी हो जाएगा। जहां जहां से गुजरूंगा एक नया नाम पीछे पीछा कर रहा हूंगा मेरा। तो मैंने कहा नहीं ये तो ठीक नहीं, डंडा वंडा नहीं लेता हूं। फिर मैंने सोचा यार अगर मैंने पीटूंगा तो शरीर को पीटूंगा, पढ़ाना माइंड को है, अगर माइंड को शरीर को पीटूंगा तो माइंड डिस्टर्ब होगा या स्टेबल होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, और इन्हें मारने के लिए पहले मुझे डिस्टर्ब होना पड़ेगा या नहीं, हाँ होना पड़ेगा, तो फिर पढ़ाऊंगा कैसे, पागल हूं क्या। मैं बोर्ड के पास गया, चुपचाप खड़ा हो गया। अच्छा क्लास में मैं अभी भी यहां चुपचाप खड़ा जाऊं तो आप सब कैसे हो जाओगे, सन्नाटा है ना, शोले वाला इतना सन्नाटा क्यों है भाई। अभी जब वो सन्नाटा हो गया तो मैं फिर भी नहीं पढ़ा रहा हूं अब तक। अच्छा होता क्या है स्कूल में, बच्चे बड़े समझदार होते हैं, उन्हें पता है प्रिंसिपल कभी भी राउंड पे आ सकते हैं। अब उनमें से एक खड़ा हुआ, सर प्लीज पढ़ाओ ना, सर प्लीज प्लीज पढ़ाओ। नहीं, जब आपका मन शांत हो जाए, जब आपकी सारी बातें पूरी हो जाए, तब आप मुझे आज्ञा दीजिएगा, क्योंकि आप ही के पैसे से मेरे घर में सैलरी आती है, आप मेरे मालिक हैं, मैं आपका नौकर हूं। यू ऑर्डर्ड मी, जब आपके काम पूरे हो जाए देन आई विल टीच यू। और देखो मैं तुम्हें मारूं तो तुम डिस्टर्ब। फिर मैंने यही बात उनसे भी कहा, से सारे बच्चों को रियलाइज हुआ, बिलीव नहीं करेंगे, मैं क्लास में एंटर हुआ, कभी भी मेरी क्लास में मुझे कभी डंडा नहीं उठाना पड़ा, कभी मुझे गुस्सा नहीं करना पड़ा, मैंने कभी किसी को नहीं चिल्लाया। बच्चे मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरा बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम आती थी मैं हर प्रॉब्लम उनके साथ खड़ा था। क्योंकि मैं एक बात मानता हूं, इस धरती पर कोई भी इंसान खराब नहीं है, कोई भी बच्चा खराब नहीं है, हर बच्चे में एक अलग टैलेंट है, हर बच्चा एक कुछ अलग कुछ करने के लिए पैदा हुआ है धरती पर, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपनी एक्सपेक्टेशंस उन पर थोप कर उनके इंटेलिजेंस का खून कर देते हैं। ये मेरा फर्म बिलीफ है। मैं आप सब बच्चों को बोलूंगा लाइफ में वो साहस पैदा करो, अगर जिंदगी में कुछ आपके पास है, बस हाँ एक चीज जरूर चाहूंगा, यू नीड अ डिसिप्लिन। विदाउट गेटिंग द डिसिप्लिन आप अपनी लाइफ में कहीं आगे नहीं जा सकते। डिसिप्लिन ही डिफरेंस है एक सक्सेसफुल आदमी में और एक फेलियर आदमी बीच का, और कोई चीज डिफरेंस नहीं है। आपकी जिंदगी है, आपकी जिम्मेवारी है, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, नो वन। नेक्स्ट, सबके पास पेन पेपर है, ये 9 डॉट बना के कनेक्ट कर सकते हैं बिना हाथ उठाए, मतलब एक जगह से आप शुरू करेंगे और हाथ तक उठाएंगे जब ये 9 डॉट कनेक्ट हो जाएंगे बाय 4 लाइंस। यहां पे लिखा भी है कनेक्ट द 9 डॉट्स बाय 4 लाइन विदाउट लिफ्टिंग अप द फैन। कौन कर सकता है आप में से, हाँ यस एक हाथ उठाए, गुड। इन्होंने पहले किया होगा, एक या दो ने पहले कर रखा होगा ना, हाँ ठीक है। जिन्होंने कभी नहीं किया उनमें से कोई कर सकता है तो करे, जिन्होंने कभी नहीं किया वो कर सकता है तो करे, ऑनेस्टली यहां बोर्ड है अगर कोई कर सकता है। जिन्होंने पहले कभी नहीं किया, अभी आज पहली बार करेंगे, पहले कर चुके हैं, हाँ नहीं जो कर चुके हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनके पास उस चीज का वो विजन है। कोई कर सकता है, इसी के इसे कहते हैं कि आपका जो परसेप्शन है ना, होता क्या कि आप इन्हीं में कहीं ना कहीं ढूंढते रहोगे, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। मैं आज आपको यह बताऊंगा कि आप जिस दृष्टिकोण से समस्या को देख रहे हो, समस्या को थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण से देखो, समस्या का सोल्यूशन वहां पर है। आप मुझे बताओ समस्याएं पहले बनी या सोल्यूशन पहले बने, समस्या, देखो आप
सबकी यही तो मान्यता, इसीलिए गड़बड़ हो रही है। पहले सॉल्यूशंस बने तभी कहते हैं एवरी क्वेश्चन हैव एन आंसर, हर सवाल का जवाब है, तो जवाबों से क्वेश्चन तैयार किए गए हैं एक्चुअली। अच्छा मुझे बताओ, क्या 7 न्यूटन से पहले ऊपर जाता था जब तक न्यूटन ने नहीं देखा था? बताओ जी, नीचे आता था ना, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पहले से ही था या न्यूटन ने इन्वेंट किया? अच्छा आज तक कोई इन्वेंशन हुई है वैसे बताओ आप? कोई भी इन्वेंशन नहीं हुई, केवल डिस्कवरीज हुई है। जो भी कुछ लिया गया है उसको सिस्टमेटाइज किया गया साइंस की हेल्प से, डिस्कवर्ड किया गया, इन्वेंशन उसको बोलते हैं जो कुछ नई चीज निकाली जो थी नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती थी, उन्होंने एग्जिस्टिंग चीजों को अलाइन किया। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस? साइंस की डेफिनेशन क्या है? कोई बताए, कोई भी, एनीवन? सिस्टमेटिक नॉलेज। हाँ बिल्कुल सही बताया। और कुछ? हाँ जोर से प्लीज खड़े होके। बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, यस गुड। और कोई? कोई? यस प्लीज। वर्क इजीली यस। और यस प्लीज बताइए। सॉरी अगेन, माइक चालू है? और कोई? हाँ यस प्लीज बताइए। सर साइंटिफिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर्स कॉजेस एंड इफेक्ट्स। हाँ ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग करेंगे इनके लिए। यस आप पीछे कुछ बताना चाह रहे हैं कोई जी? माइक्रोफोन क्या है? मेरी वॉइस का एक्सटेंशन है। कार, बस, प्लेन क्या है? मेरे पैरों का एक्सटेंशन है। भगवान ने इस बॉडी के अंदर कंप्लीट साइंस बना के भेजी है, केवल इसी की स्टडीज को एक्सपेरिमेंट्स करके बाहर हमने उसको क्या कर दिया, रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर दिया है, रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर दिया है। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मेरा ऑब्जर्वेशन में यदि मैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचता हूं तो हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे अंदर ही है। मैंने जब फिजिक्स को अपनी फिजिक्स से पढ़ना स्टार्ट किया, मेरे लिए फिजिक्स बिल्कुल आसान हो गई। जो भी लोग फिजिक्स को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, क्वेश्चन के रूप में पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए फिजिक्स प्रॉब्लम होती है। जो लोग फिजिक्स को जीते हैं उनके लिए फिजिक्स बहुत इजी हो जाती है। हाँ या ना? किसी ने इस बात एक्सपीरियंस किया? इट्स सो सिंपल। नाउ कनेक्ट द डॉट्स। नेक्स्ट। ठीक है आप देखिए क्या हो रहा है, नेक्स्ट करते जाइए, पूरा कंप्लीट कर दीजिए। देखिए हमने क्या किया तब हम कर पाए, जब हमने यहां से इसको स्टार्ट किया, यहां से वापस ले गए, थोड़ा सा यहां पे हमने इसको एक्सटेंड किया, यहां गए और यहां पे हमने थोड़ा एक्सटेंड किया। सारे डॉट कनेक्टेड हैं, चार ही लाइनें हैं, एक लाइन ये है, 2, 3 और नीचे 4। पर हमने क्या किया, ये थोड़ा सा एरिया यहां पर एक्सटेंड कर दिया, ये थोड़ा सा एरिया हमने यहां पर एक्सटेंड कर दिया। जब तक आप सिचुएशन के अंदर रहकर सिचुएशन में ही सॉल्यूशन ढूंढोगे तब तक आप स्ट्रेस्ड रहोगे। Think out of the box. Next. ये बहुत important चीज है कि आपका perception क्या है, ये आपकी esteem को set करेगा about the situation. Situation है, लेकिन आपका नजरिया क्या है? आप किसी भी situation को as a problem देखते हैं या as a obstacle देखते हैं? Next. या as an opportunity देखते हैं? Next. या as a test देखते हैं या as a gift देखते हैं? याद रखना, यदि आप ऑब्स्टिकल और प्रॉब्लम के रूप में देख रहे हो आप लो सेल्फ एस्टीम में हो, और यदि आप उसको अपॉर्चुनिटी, टेस्ट और गिफ्ट के रूप में देख रहे हो आप हाई सेल्फ एस्टीम में हो। अब आप ईमानदारी से अपनी लाइफ के हर एक चीज के बारे में सोच करके देख लो आप। मैंने इसलिए गांधी जी का नाम लिया, गांधी जी के लिए अंग्रेज प्रॉब्लम थे या अपॉर्चुनिटी थे? उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को गिफ्ट बना दिया, नहीं बना दिया? आज आप देखो गांधी जी एक लाठी एक लंगोटी में जिंदगी बिता दी, लेकिन आज सोचो आप बिना गांधी जी के आज अपने लिए 1 किलो अमरूद नहीं खरीद सकते आप।
हाँ हाँ सही बोल रहा हूं मैं, खरीद सकते हैं क्या? उनके फोटो के बिना किसी नोट की वैलिडिटी है नहीं। अच्छा गांधी जी को हम इसलिए जानते हैं कि वे वकील थे या इसलिए कि बहुत अच्छे त्यागी और सेवा की उन्होंने भारतवर्ष के लिए, त्याग और सेवा। इसका मतलब आपकी जो वैल्यू है वो आपकी वैल्यूज से बढ़ती है ना कि डिसवैल्यूज से, है ना? और वैल्यूज का तो भैया किसको जरूरत पड़ती है, आतंकवादियों को भी, वो भी अपनी टीम में गद्दार नहीं ईमानदार ढूंढते हैं, आया ना? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सो इंपॉर्टेंट ये है, नहीं बैक रखो बैक, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो बहुत हाई सेल्फ एस्टीम का बंदा होता है वो हर एक प्रॉब्लम को गिफ्ट की तरह देखता है। क्योंकि आप ये चेक करो, दुनिया के जितने भी बिजनेसेस आज तक इन्वेंट हुए हैं सारे बिजनेसेस किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है या नहीं? आपका कोट, आपकी जैकेट सर्दी का सोल्यूशन है या नहीं? सर्दी इज अ प्रॉब्लम, कोट एंड जैकेट इज अ सोल्यूशन। गर्मी इज अ प्रॉब्लम, एसी इज अ सोल्यूशन। आज एयर पॉल्यूशन इज अ प्रॉब्लम, एयर प्योरीफायर इज अ सोल्यूशन। एवरी बिजनेस ऑन दिस अर्थ इज अ सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, हाँ या ना? सो इंपॉर्टेंट इज कि जो व्यक्ति अपने आइडियाज से किसी भी प्रॉब्लम को गिफ्ट के रूप में देखेगा उसे आनंद आना स्टार्ट हो जाएगा उस काम में। और जिस दिन आपको किसी भी काम में आनंद आना स्टार्ट हो गया, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि मैं उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं, हाँ या ना? नाउ नेक्स्ट चलेंगे हम। ये परसेप्शन को चेंज करने के लिए आपको साइकिल ऑफ डेस्टिनी को समझना पड़ेगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब तक कुछ लिखा हो ना लिखा हो किसी ने, इस साइकिल ऑफ डेस्टिनी को जरूर लिख लेना आप। आप अपनी जिंदगी में आज जहां हो, जो हो, जिस हाल में हो, उसका कारण आप कैसे हो मैं बात करूंगा। हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माइंड, हाँ या ना? हाँ जी, बात करी थी माइंड। माइंड का फूड क्या है? एक्चुअली मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूं फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया से। और हम पूरे इंडिया में जाते हैं, बात करते हैं लोगों से न्यूट्रिशन के बारे में और हेल्थ के बारे में। तो बॉडी के लिए चार पिलर होते हैं अच्छी हेल्थ के लिए। रोजाना एक्सरसाइज करना चाहिए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए, एडिक्वेट रेस्ट होना चाहिए और प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए। जो भी आप खाना खाते हो वो खाना बहुत ही कैसा है आप चेक करो। हम सब टेस्टी खाना खाते हैं या हेल्दी खाना खाते हैं? हाँ, एक बर्गर एक पिज्जा एक इंसान की 7 दिन की जिंदगी खत्म कर देता है, रिसर्च बाई यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। क्योंकि एक पिज्जा बर्गर के अंदर इतना सारा मैदा और ऑयल इस्तेमाल होता है जितना किसान को 7 दिन में लेना चाहिए, लेकिन वो कितने दिन में खा रहा है? एक लड़की गांव से आई रेस्टोरेंट के अंदर, आने के बाद कहती है मुझे एक सब्जी वाली रोटी दे दो। तभी वहां बैठा एक लड़का कहता है अरे भाई ये गांव से आई है, पिज्जा दे दे इसे, पिज्जा मांग रही है। क्योंकि उसको पता नहीं था कि पिज्जा को, वही चीज है। लेकिन आज क्या है, आप सोचो हम में से इतने महान भाव है, हम पिज्जा तो खाते हैं, पिज्जा साथ में कोल्ड ड्रिंक और लेते हैं, जहर के साथ डबल जहर, आया ना? और वो भी कैसी वाली, चिल वाली, चिल। अब बताए चिल वो लेते ही जो फैट है वो और स्टोर हो जाता है और 20-22 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं आज। द रीजन इज दिस, एक समोसे में 250 कैलोरी होती है, 600 कैलोरी होती है, एक टिक्की के अंदर 250 कैलोरी होती है, आलू के अंदर 60 कैलोरी, टिक्की के अंदर 250 कैलोरी। अब आदमी दो समोसे भी खाएगा फिर खाना भी खाएगा, फिर बोलेगा वजन क्यों बढ़ रहा है? आप समझ रहे हो मेरी बात? तो चीजों को समझना है हम खा क्या रहे हैं, है ना? ये चीज। उसके बाद में आप समझना ये है, दूसरा स्टेप होता है हमारे पास में एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या, हम रोज कौन कौन करता है यहां पर एक्सरसाइज डेली? वाह, 4-5 हाथ उठे। अच्छा एक्सरसाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितने लोग सहमत है रोज करना चाहिए? हम सब कितने अच्छे भाषण करने वाले हैं और सब कहते होंगे, इवन तेरे माँ कहते हैं तेरे को एक्सरसाइज रोज करना चाहिए, खुद सोते 8 बजे तक। बच्चे बोले तुझे 5 बजे उठकर पढ़ना चाहिए, खुद सो रहे हैं 8 बजे तक। बच्चे बोले हमें कभी भी टीवी नहीं देखना चाहिए, खुद टीवी के सामने ही बैठे। आप सब ऐसे करो, सब करो, सब मेरी तरफ ध्यान से देखो सब, ठीक है? सबने देखा, सब मेरी तरफ ध्यान से देखो सब। सब क्या, सब की उंगलियां नहीं दिखाई दे रही मुझे अभी भी, सब एवरीवन, हाँ दैट्स गुड। अभी सब अपने अपने उंगलियों पर ठुड्डी को लगाओ, अब चेक करो ठुड्डी है, ये क्या है? गाल है, गाल ठुड्डी है।
आपने वो नहीं किया जो मैंने कहा, आपने वो किया जो मैंने किया. एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. हमारे कर्म हमारे भाषण से ज्यादा काम करते हैं. हाँ या ना? हाँ, ये समझना जरूरी है. नाउ एक्शन लीड्स डेस्टिनी, बट व्हाट लीड टू एक्शन. मैं बात करूंगा थोड़ा सा इस चीज को लेकर के, बहुत ध्यान समझना. हमने बात करी थी माइंड के बारे में, तो जो मैं माइंड की बात कर रहा हूं, हम सबने माइंड को इंपॉर्टेंट माना. हमें बॉडी का फूड सबको पता है, माइंड का फूड क्या है? नॉलेज. ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ फूड. और नॉलेज क्या होती है वैसे? मैथ, साइंस, अंग्रेजी, सोशल साइंस. हाँ है ना? पता है हम सब प्रॉब्लम में क्यों आए अपनी जिंदगी में? बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही माँ सिखाती है उसे ई फॉर ईयर, एन फॉर नोज, ई फॉर आई. थोड़ा सा बड़ा होता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल. थोड़ा और बड़ा होता है ना, स्कूल में फिर जाता है, आते पूछती है होमवर्क हुआ किसका? मैथ का, साइंस का, इंग्लिश का. आज तक किसी माँ ने कभी किसी बच्चे को ईमानदारी से रोज ये सिखाया? एल फॉर लव, आर फॉर रिस्पेक्ट, एच फॉर ऑनेस्टी. कभी बच्चे से आने के बाद रोज ये पूछा, बेटा आज कोई भला काम किया? आज किसी की हेल्प की? आज कितनों का रिस्पेक्ट किया? हम सब्जेक्ट तो सिखा रहे हैं लेकिन कल्चर नहीं सिखा रहे हैं. अब आप मुझे बताइए, आज की डेट में मेट्रोनोमियल्स के अंदर भी एड निकलते हैं, लड़का और लड़की चाहिए. सब क्या लिखते हैं उसके अंदर? 5 फीट हाइट हो, गोरा और काला हो, फलाने प्रोफेशन में हो. हाँ या ना? लिखते हैं ऐसे? कभी किसी ने लिखा है चरित्रवान लड़का या चरित्रवान लड़की चाहिए? बाद में डिवोर्स किस नाम पर होते हैं? चरित्र के नाम पर या चीजों के नाम पर? परसेप्शन. अगर हम चाहते हैं कि सोसाइटी में वैल्यूज इनबिल्ट. अच्छा बताइए, आपके स्कूल के अंदर आपके मार्क्स में डिफरेंस, बहुत ऐसा ना माइंड की बात चल रही है, बात समझना, वैल्यूज की वजह से डिफरेंस आते हैं या रिसोर्सेज की वजह से आते हैं? हाँ जी, किसकी वजह से डिफरेंस आते हैं मार्क्स में? वैल्यूज या रिसोर्सेज? कितने लोग मानते हैं वैल्यूज में? हाथ उठाओ. गुड, हाथ कर लो. कितने मानते हैं रिसोर्सेज? वो हाथ उठाओ. अच्छा, कुछ तो रिसोर्सेज भी मानते हैं. अब बताइए, क्लास में ड्रेस सेम, फीस सेम, टीचर सेम, किताबें सेम, नंबर अलग क्यों है? रिसोर्स तो सेम है सारे, किसकी वजह से नंबर अलग अलग है? वैल्यूज, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, ऑनेस्टी, फेथ, वर्क एथिक्स. हाँ या ना? तो डिफरेंस कौन कर रहा है, वैल्यूज या ये? कौन सा लैपटॉप है आप पे मैटर नहीं करता? जो आईआईटी चलाते हैं, जो सुपर 30 आईआईटी चलाता है, उनके पास तो किताब भी नहीं होती, कपड़े पहनने के लिए भी नहीं होते, लेकिन 30 के 30 बच्चे आईआईटी निकालते हैं. कौन सा रिसोर्स है उनके पास? वैल्यूज, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, ऑनेस्टी, वर्क एथिक्स, एम, ड्रीम, गोल दे हैव. नाउ बट ये कब आएगा? जब मैं इस माइंड को राइट फूड खिलाऊंगा. सो व्हाट द फूड ऑफ माइंड? नेक्स्ट, फूड ऑफ माइंड इज इंफॉर्मेशन, नॉट ओनली नॉलेज. इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन चार जगह से जाती है आपके माइंड के अंदर. कहां कहां? आंखों से क्या देखा, कानों से क्या सुना, कैसा लिटरेचर पढ़ते हैं आप, और कैसे दोस्तों के साथ रहते हैं आप, कैसी संगत है, एसोसिएशन कैसा है आपका. हाँ या ना? आप सब यहां से जवाब दीजिएगा, ये चीज सीख ली आपने, सब सीख जाओगे आप. अब आपके मार्क्स की बात आ जाएगी यहां से. अगर आप सोचो आंखों से, कानों से, रीडिंग से और एसोसिएशन से अगर इंफॉर्मेशन राइट जाएगी, अगर खाना हेल्दी जाएगा तो ब्लड कैसा बनेगा, हेल्दी या अनहेल्दी? अब माइंड का ब्लड क्या है? नेक्स्ट, ब्लड ऑफ माइंड. नेक्स्ट, थॉट. सारी एनर्जी थॉट में होती है या बॉडी में होती है? थॉट्स में. इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बता सकता हूं आपको. एक पहलवान जो कुश्ती में सबको मार देता है, बहुत ताकतवर है, उसे एक न्यूज मिली तेरे बेटे की मौत एक्सीडेंट में हो गई है. क्या वही पहलवान कुश्ती लड़ पाएगा? एक इंफॉर्मेशन, सारी एनर्जी गायब. अभी एक आईसीयू के अंदर पेशेंट है, आईसीयू पड़ा हुआ, ऑक्सीजन चल रही है, उसे काम जाकर बोलो तेरी 5 करोड़ की लॉटरी लग गई है, अभी जाएगा तो मिल जाएगी. उठेगा या लेटा रहेगा? हाँ, एनर्जी कहां से? थॉट. अभी अभी एक हमारे देश के सैनिक ने, उसकी मतलब डेथ हुई है, जिसने 3 गोली ब्रेन में लगने के बाद भी 2 आतंकवादियों को मार दिया. 3 गोली ब्रेन में लगने के बाद किस चीज की एनर्जी थी?
थॉट की, देशभक्ति की, देश के लिए मर मिटने की एनर्जी इन थॉट. डिप्रेसिव थॉट, डरे हुए थॉट, कमजोर थॉट नहीं चले जाते हैं. इंप्रेसिव थॉट, एक्साइटिंग थॉट ऊपर ले जाते हैं. आया ना? ब्लड ऑफ माइंड. नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ माइंड. व्हाट? इमोशंस. पहली बात, विचार कहां से आते हैं? जनरली लोगों का मान्यता क्या होती है, विचार कहां से आते हैं? माइंड से. ऐसा बोलते हैं ना सब. किसी से पूछो थॉट कहां से आते हैं, क्या बोलते हैं? माइंड से. हाँ या ना? माइंड से आते हैं या माइंड में आते हैं? कहां आते हैं? अब बोलते क्या है? अभी आप ये बताओ, आदमी लंबा होता है या पैंट छोटी होती है? क्या होता है? अब बोलते क्या है? पैंट तो उतनी है भाई जितनी सिली थी. अभी आप बताओ, हम अलीगढ़ पहुंचे या अलीगढ़ आ गया था? बताओ बताओ आप. हम पहुंचे ना. लोग क्या बोलते हैं? अलीगढ़ आ गया. कहां से? वो तो वही है जहां था. अब सोचना मैं क्यों बोल रहा हूं ये बात. जब बोलने में इतनी गड़बड़ है, सोचने में कितनी होगी. विचार तो 60,000 आ रहे हैं, शब्द तो बहुत कम बोल रहे हैं. स्पीच पैटर्न में इतनी मिस्टेक, सोचने में कितनी मिस्टेक. और जब मेरे थॉट में प्रॉब्लम है तो मेरे फीलिंग एंड इमोशंस कैसे बनेंगे? इमोशंस मींस नेगेटिव थिंग. इमोशंस आर एजिटेशन इन थॉट. विचारों की उत्तेजना को इमोशन कहते हैं. एक्सपेक्टेशन एंड अटैचमेंट क्रिएट इमोशंस. आप ज्यादा एक्सपेक्ट करोगे, ज्यादा अटैच हो जाओगे चीजों से, पजेस करोगे चीजों को, दुखी होते रहोगे, इमोशनल होते रहोगे. फीलिंग परसेप्शन बाय टच. फीलिंग इज गुड थिंग, क्योंकि फीलिंग समझदारी से आती है, इमोशन बेसमझी से आता है. इमोशंस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फीलिंग में अंडरस्टैंडिंग है. फील इट, इट मींस रुको, समझो, विचार करो, देन फील इट. दैट इज कॉल्ड द फीलिंग. नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ माइंड के बाद क्रिएशन ऑफ माइंड, एक्शन. आप सोचो, हमारे कर्म विचारों से नहीं होते. लोग बोलते हैं थॉट से एक्शन आता है. थॉट से एक्शन नहीं आता दोस्त, थॉट तो 60,000 आते हैं. क्या हम 60,000 एक्शन करते हैं दिन में? एक्शन कहां से आता है? एक्शन कम्स फ्रॉम इमोशंस. सुख की भावना है सुख का कर्म, दुख की भावना है दुख का कर्म, बुरी भावना है बुरा कर्म, अच्छी भावना है अच्छा कर्म. गीता में लिखा है, दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य कर्म है किसी का साहस बढ़ाना, दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर्म है किसी का साहस तोड़ना. एज ए टीचर तो कभी किसी बच्चे का साहस मत तोड़ो, चाहे वो कमजोर क्यों ना हो, क्योंकि उसकी कमजोरी में भी कोई साहस की बात होगी. सी गुड इन देम. पेरेंट्स, कभी अपने बच्चों को क्रिटिसाइज मत करो, ऑलवेज सी द बेस्ट इन देम. आप उनको वैसा मत देखो जैसे वे हैं, आप उनको सदा वैसा देखो जैसा आप देखना चाहते हैं. वे जा कहां सकते हैं ये मैटर नहीं करता कि आज मैं कहां हूं, मैटर करता है मैं जा कहां सकता हूं. द काइंड ऑफ पोटेंशियल आई हैव इन माई लाइफ, इट डजंट मैटर where I am now. It doesn't matter. आप जिंदगी को जिस पल जिस समय जब चाहो तब बदल सकते हो. और हमारे सामने एग्जाम्पल है, अब्दुल कलाम 10th में 3rd डिवीजन, 12th में भी साइंस सेकंड 3rd डिवीजन, बीएससी में भी एवरेज, बाद में टॉपर से बने और कैसे साइंटिस्ट बने कि पूरी दुनिया जानती है आज. मैं मार्क्स को वैल्यू नहीं देता, मैं वैल्यू देता हूं राइट इंटेलिजेंस को, मैं वैल्यू देता हूं राइट एथिक्स को, मैं वैल्यू देता हूं राइट डिसिप्लिन को. क्योंकि जिंदगी में अगर आदमी डिसिप्लिन्ड है वो कुछ भी कर सकता है. मैं यहां पे थोड़ा सा बताऊंगा, मैं 12th क्लास और मेरे बीएससी के बीच में 17 साल का गैप है. 17 ईयर गैप आई हैव फ्रॉम 12th टू बीएससी, क्योंकि मेरे को ब्रेन ट्यूमर हुआ. ब्रेन ट्यूमर के बाद में आई वॉज अनेबल टू कंटिन्यू माई आईआईटी, क्योंकि आईआईटी मेरा सिलेक्शन हुआ था. और उसके बाद से लेकर के फिर मैंने अपनी प्लेन एजुकेशन को कुछ नहीं किया. मैं 12वीं के बाद ही मैंने कोचिंग खोल लिया, पढ़ाई स्टार्ट कर दिया. मैं 12th पास था और दो दो कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर था. मैं बोर्ड का एग्जाम लड़ रहा हूं एज ए 12th क्लास, क्योंकि मेरी मान्यता यह थी अगर आर्यभट्ट कर सकता है, रामानुजम कर सकता है, उनके पास कौन सी डिग्री थी, आइंस्टाइन के पास, एडिसन के पास कौन सी डिग्री थी. आई कैन डू एनीथिंग व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ. डजंट मैटर प्लीज, डजंट मैटर. लाइफ इज ऑसम, but you, how you live your life, it depends. It depends. That's why I am saying this. Actions by emotions. Life में खुद को कैसे देखते हो आप, ये आपके ऊपर है. Next, action से क्या बनता है? Productivity of mind, your habits.
आते घर में सब चेंज कर रहे हैं दूसरे की आदत, तेरी आदत खराब है। आप मुझे बताइए क्या कभी किसी की आदत बदल सकती है यदि इंफॉर्मेशन नहीं बदली तो? हाँ जी, अगर मैं गंदा देख रहा हूं, गंदा सुन रहा हूं, गंदा पढ़ रहा हूं, गंदों के साथ रह रहा हूं, मेरे विचार कैसे आएंगे? विचार गंदे आएंगे तो मेरे इमोशंस कैसे होंगे? मेरे विचार और भावनाएं गंदी होंगी तो मेरे कर्म कैसे होंगे? आप बताओ, बीज को बदले बगैर कभी फल बदल सकता है? इंफॉर्मेशन चेंज नहीं हुई, हैबिट कभी चेंज हो ही नहीं सकती। हैबिट से नेक्स्ट सेकंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द माइंड क्या है हमारे पास? हैबिट से मिलकर बनता है बिहेवियर, जैसी आदत है वैसा व्यवहार। नेक्स्ट, जैसा बिहेवियर से फिर सेकंड चीज बनती है करेक्टर। आपके स्कूल में आपका करेक्टर सर्टिफिकेट इस बात पर बनेगा कि आपका बिहेवियर कैसा है। अगर बिहेवियर बैड है करेक्टर बैड, बिहेवियर अच्छा है करेक्टर अच्छा है, बट करेक्टर तक पहुंचे कैसे हम? करेक्टर के बाद क्या आता है? पर्सनैलिटी। आजकल बहुत सारे कोर्स हो रहे हैं मार्केट में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम पर, हाँ या ना? आप मुझे बताइए वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है या स्टाइल और स्किल डेवलपमेंट है? क्योंकि पर्सनैलिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, और एबिलिटी कांट बी मेजर्ड बाय द अटायर और द लैंग्वेज, बट पर्सनैलिटी मेजर्ड बाय द करेज यू हैव, द कॉन्फिडेंस यू हैव, द एस्टीम यू हैव, द इंटेलिजेंस यू हैव। एम आई करेक्ट और नॉट? Personality. The true personalities are Mahatma Gandhi, the true personalities are Mother Teresa, the true personalities is Vivekananda, the true personalities is Ramakrishna. Everyone, they are the beautiful personalities on this earth. Now, next, that is the fruit of mind, your destiny. आपका भाग्य। इसीलिए भाग्य को अंग्रेजी में कहते भी हैं luck, L-U-C-K, labor under correct knowledge. L माना लेबर, U माना अंडर, C माना करेक्ट, K माना नॉलेज। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज क्रिएट योर लक। लक इज जस्ट नथिंग। अब सोचो, अगर मैं अच्छा देखूं, अच्छा सुनूं, अच्छा पढ़ूं, अच्छे दोस्तों के साथ रहूं, तो आप मुझे बताओ इंफॉर्मेशन कैसी आएगी? सब मेरे साथ बोलो, कैसी इंफॉर्मेशन आएंगी? इंफॉर्मेशन अच्छी होंगी तो थॉट कैसे होंगे? जोर से बोलो। थॉट अच्छे होंगे तो इमोशंस और फीलिंग कैसी होंगे? इमोशंस फीलिंग अच्छे होंगे तो एक्शन कैसे होंगे? सब नहीं बोल रहे, जितना जोर से बोलोगे उतनी एनर्जी अंदर फ्लो करेगी। एक्शन जैसे होंगे, हैबिट्स कैसी होंगे? हैबिट अच्छी होंगे तो बिहेवियर कैसा होगा? बिहेवियर अच्छा तो करेक्टर कैसा होगा? करेक्टर अच्छा तो पर्सनैलिटी कैसी होगी? और पर्सनैलिटी अच्छी होगी तो डेस्टिनी कैसी होगी? तो बताओ, डेस्टिनी भगवान ने रची या हमने रची? सिंपल। आप ये बताइए, आपकी आंखों से क्या देखना है, कौन चुनता है? ना मम्मी चुनती है, ना पापा, ना टीचर, आई एम। मेरे कानों से क्या सुनना है, कौन चुनता है? आई एम, आई एम। मुझे कैसे लिटरेचर पढ़ने हैं, कैसे नहीं पढ़ने हैं, हु चूज? आई एम, आई एम। अंडरस्टैंड इट? मुझे कैसे, मैं माँ बाप नहीं चूज करता, दोस्त किसने चूज किए? मैंने। तो भाग्य किसने चुना? मैंने। अभी मैं इसको क्लियर करूंगा, ये कैसे होता है, हम एक डेमो दिखाएंगे आपके सामने। वी विल शो इट ऑल बाय अ डेमो। इट्स अ प्रैक्टिकल डेमो, जिसे आप फील करोगे, इट विल चेंज योर होल लाइफ। ये ग्लास को आप मान लीजिए कि ये लाइक अ ब्रेन, और मैं इसके अंदर ये डाल रहा हूं माइंड, बिकॉज माइंड इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी। ब्रेन ट्रांसफॉर्मेबल है लेकिन माइंड ट्रांसफॉर्म नहीं किया सकता है, हाँ या ना? माइंड कुछ नहीं है, माइंड नॉलेज का पार्ट है, थॉट्स का पार्ट है, हाँ या ना? अब जब हम पैदा होते हैं तो हमारा माइंड बिल्कुल ऐसे क्लीन होता है, प्यारा सा, इसे छोटा बच्चा सबको प्यारा लगता है, हाँ या ना? लगता है ना, सबसे प्यार करते हैं, हग करते हैं, किस करते हैं, क्यों? वो नहीं जानता कौन हिंदू है कौन मुसलमान, वो नहीं जानता कि वो अच्छा लग रहा है या खराब, वो नहीं जानता कि वो गरीब है या अमीर, वो नहीं जानता कि वो अच्छा लग रहा है या खराब, वो नहीं जानता कौन बड़ा है कौन छोटा, वो नहीं जानता कौन पढ़ा लिखा है कौन नहीं पढ़ा लिखा, वो डिफरेंसेस जानता ही नहीं है, इसलिए सबको प्यारा लगता है, हाँ या ना? लेकिन जैसे जैसे अब वो बड़ा होना शुरू होता है तो क्या होना शुरू होता है उसके अंदर? उसके अंदर नेगेटिविटी आती है, तुम ये नहीं कर सकते, ये अच्छा नहीं है, ये खराब है, ये ऐसा है, ये वैसा है, फिर टीवी देखेंगे, फिर गाने देखेंगे, फिर कुछ और देखेंगे, फिर न्यूज़पेपर देखेंगे, फिर मम्मी कुछ कह रही है, फिर पापा कुछ कह रहे हैं, फिर बहन कुछ कह रही है, फिर व्हाट्सएप आ गया, फिर फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, फिर कुछ और को और कुछ, फिर
दोस्त आ गए, पर्सन बाहर आ गए, पिक्चर आ गई, मूवी आ गई, हर तरह की नेगेटिविटी अंदर में एंटर करती चली गई। और ये टाइम तो ऐसा आया कि बस नेगेटिविटी की लाइन लग गई थी, पूरा नेगेटिव नेगेटिव। ऐसा हुआ? हाँ या ना, न्यूज़पेपर से। अब क्या हुआ, माइंड ऐसा हो गया। अब क्या इसमें से इसको निकाला जा सकता है? लेकिन क्या किया सकता है, डाइल्यूट किया सकता है। माना इसमें और माइंड डाला जा सकता है, क्योंकि माइंड इज जस्ट नथिंग, इट्स अ कलेक्शन ऑफ थॉट्स। अभी हम वो करेंगे, और जब हम करेंगे तब देखेंगे हमें क्या कर रहे हैं हम इसके अंदर। पर आप देखेंगे कितना ज्यादा माइंड डालना पड़ेगा। नेगेटिविटी थोड़ी सी डाली गई ड्रॉपों में, लेकिन हमें माइंड कितना डालना पड़ेगा, कितना काला हो चुका है ये। इसमें डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे। काफी देर के बाद जब बहुत सारा हम डाल चुके होंगे, फ्लो भी हाईएस्ट होगा, तो धीरे धीरे करते करते इसके अंदर से 100% वो गंदगी साफ हो जाएगी जो आज तक किसी भी सोर्स से मेरे अंदर गई है। नाउ जस्ट थिंक अबाउट, आपको सोचना है कि मैं फिर से वैसा ही बन सकता हूं जैसा मैं बचपन में इनोसेंट था, मैं फिर से ही उतना इंटेलिजेंट बन सकता हूं जितना मैं चाहता हूं। Where I'm going to focus my life. Mind को मैंने ठीक कर लिया, आप बताओ पूरी जिंदगी ठीक हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? Emotions कहाँ है? Mind में। Fear कहाँ है? Mind में। Stress कहाँ है? Mind में। Destruction कहाँ है? Mind में। यहाँ पे ध्यान देना है मुझे। इस सब के अंदर बहुत सारी चीज रोल प्ले करती है। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी बात है, चार तरह का। वॉट इज इंटेलिजेंस, वॉट डू मीन बाई इंटेलिजेंस, क्या मतलब है इंटेलिजेंस का? लिख लीजिए डेफिनेशन। यूजिंग वॉट एवर यू नो एट द राइट टाइम, एट राइट प्लेस, इन राइट सिचुएशन। यूजिंग वॉट एवर यू नो एट द राइट टाइम, एट राइट प्लेस, इन अ राइट सिचुएशन, इन अ राइट मूवमेंट। इसे कहते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब कभी नहीं होता कि मैं सब कुछ सीख लूं। इंटेलिजेंस का मतलब होता है जो मैं जानता हूं उसको मैं सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करता हूं। और इसके लिए चार प्रकार के इंटेलिजेंस होते हैं। पहला रैशनल, दूसरा इमोशनल, तीसरा इंट्यूटिव, चौथा स्पिरिचुअल। आपकी पढ़ाई में जो इंटेलिजेंस यूज होता है वो कौन सा यूज होता है? रैशनल। और ये सबसे थकाने वाला इंटेलिजेंस होता है। जितने बच्चे रैशनल इंटेलिजेंस की वजह से पढ़ते हैं, आप जैसे रैशनल क्या होता है, मैंने आपको बोला अच्छा ना ये वाला काम करना, तो आप क्या बोलोगे? हाँ सर सोच के बताऊंगा, मैं सोचूंगा इसके ऊपर। जितने लोग ये बोलते हैं सोचूंगा, एक्स्ट्रा एनर्जी दूंगा, ये रैशनल माइंड कहता है, कॉन्शियस माइंड कहता है। मैं एग्जांपल देता हूं, यहां पे कार चलाना कितने लोगों को आती है? कार चलाना, ओके, स्कूटर, स्कूटी, स्कूटर, साइकिल, हाँ ठीक है ना। अब समझना, जब आप साइकिल सीख रहे थे या स्कूटर सीख रहे थे या कार सीख रहे थे, आपका दिमाग ज्यादा तब लग रहा था या आज लगता है ज्यादा चलाने में? तब लग रहा था, ज्यादा अटेंशन था, ज्यादा दिमाग लग रहा था। अच्छा बताओ, जब ज्यादा दिमाग लग रहा था, ज्यादा अटेंशन लग रहा था, तो कार स्कूटर अच्छा चल रहा था या खराब चल रहा था? और जब वो लगना कम हो गया तो आज अच्छा चलता है या खराब? इसका मतलब क्या है? जब तक आप कॉन्शियस माइंड से काम करते हो तब तक चीजें मुश्किल लगती हैं, लेकिन जब करते करते कॉन्शियस से वो सब कॉन्शियस में चली जाती हैं तो क्या हो जाती है, वो इजी हो जाती है। एम आई करेक्ट और नॉट? समझ रहा मेरा? कोई भी सब्जेक्ट, आप, मैं आपको बताता हूं, मैं फिजिक्स के अंदर जब था, तो जब मैं मैथ का टॉपर था 12th क्लास में, लेकिन मेरा फिजिक्स इतना अच्छा नहीं था, और मैं आगरा कोचिंग करने के लिए गया IIT की। वहां पर डॉक्टर पीसी अग्रवाल का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे आगरा कॉलेज के, और वो हमारे टीचर थे, और वो हिंदी में एक शब्द नहीं बोलते थे। मैं यूपी बोर्ड का पढ़ा हुआ, अब सोचो यूपी बोर्ड वाले की बेचारे क्या हालत होती हुई जब कोई अंग्रेजी में ज्यादा बोले। समझ रहे ना आप मेरे को? मेरे को तो उनका सुन के फिर घर जाके डिक्शनरी देख के समझना पड़ता था। तो अब क्या हुआ कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, हमने मैडम शिकायत कर दी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए खिलौनों से खेलूं। मैंने कहा खिलौने? उनके लिए SC वर्मा खिलौना था, उनके लिए और सब किताबें खिलौना थी। उनके पास एक ही किताब थी, आईरोडो। सुना है किसी ने नाम आईरोडो का? इरोडो सबसे टफेस्ट बुक में से बुक है फिजिक्स की, है ना, पहले सब्जेक्ट। अब क्या हुआ कि वो उसी बुक को पढ़ाते थे, अच्छा उसके हम सॉल्यूशन देखते थे तो 5 पेज में, और वो कराते थे 5 लाइन में। अब हम सोचते थे ये गलत है या ये गलत है।
उन्होंने हमसे जब हमारे क्या अच्छा मेरी उससे पहले कभी बेइज्जती हुई नहीं थी क्लास में तो कभी नहीं हुई लाइफ में क्योंकि बड़े अच्छे रहे भगवान तो ऐसे पढ़ने में ठीक ठाक रहे और वहां गए तो उन्होंने 70 बच्चों के बीच में खड़े खड़े बेइज्जती कर दी हमारी। हम 5-7 बच्चे थे। हमने कहा भाई अब हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, आज से बस हम फिजिक्स ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तब से मुझे आदत लगी 18-18 घंटे तक मैं लगातार फिजिक्स ही पढ़ता रहता था। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है भाड़ में जाए किताब ले ली रीडिंग कर ली डिक्शनरी उठा ली उसका मीनिंग देखना चीज करना वह फिजिक्स ही करते रहे ना मैथ ना केमिस्ट्री कुछ नहीं। अब संकल्प हो गया था IIT हो ना हो बट अब जवाब डॉक्टर PC अग्रवाल को देना ही है कि हमारी फिजिक्स भी अच्छी है। और पागलपन की हद तक हमने फिजिक्स को पढ़ा और कोई दिक्कत नहीं आज बढ़िया है। बाद में मैथ से हम फिजिक्स में नंबर 1 हो गए। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ? अगर आप किसी भी चीज को डिसाइड कर लेते हो पहले कॉन्शियस करने में मेहनत लगती है लेकिन जब करते जाते हो तो कुछ दिन के जब वो सबकॉन्शियस हो जाती है तो फिर आपके लिए वो क्या हो जाती है? इजी हो जाती है। यू गेट माय पॉइंट? तो इंपॉर्टेंट है रेशनल थकाता है, सेकंड है इमोशनल, क्या हो सेकंड था इमोशनल। रेशनल को ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करने का काम कौन करता है? इमोशनल। इमोशंस में क्या क्या आते हैं? आप कोई मूवी देखते हो, आप कोई कॉमेडी चीज देखते हो। अच्छा यहां पे कितनों को लगता है कि एंटरटेनमेंट मूवी देखकर होता है? प्लीज रेज योर हैंड ईमानदारी से। अब कोई नहीं उठाएगा हाथ भाई, कुछ तो था, टाइम पास होता है। अच्छा कॉमेडी मूवी देखने से किससे होता है एंटरटेनमेंट होता है? प्लीज रेज योर हैंड। अच्छा अगर एंटरटेनमेंट की हिंदी क्या होती है? मनोरंजन। मनोरंजन से क्या आता है जीवन में? आनंद आता है ना। अच्छा जब आपको आनंद आता है तो बायोलॉजी भी कहती है तो क्या बढ़ेगी आपकी बॉडी में एनर्जी, बढ़ेगी या घटेगी? कितने लोगों को मूवी देखकर ऐसी एनर्जी बढ़ी कि फिर वे 8-10 घंटे पढ़े? हाँ जी बढ़ी, आंख भी थक गई दिमाग भी थक गया, बोले थोड़े सो जान दो बहुत काम हुआ है। हाँ या ना? पिक्चराइज करते गए माइंड के ऊपर, पूरी मेमोरी को पिक्चर से हम भरते चले गए और यही चीज हमारे लिए क्या क्रिएट कर गई? बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गई। हमने अपने माइंड को गार्बेज बॉक्स बना दिया है। अभी सोचो इतना सुंदर ऑडिटोरियम में यहां पे लाके डस्टबिन से डस्टबिन बखेर दूं कैसा लगेगा? और हम सुबह सुबह अपने घर पे न्यूज़पेपर मंगाते हैं, 2.5 रुपए का न्यूज़पेपर फेंक के जाता है वो हमारे घर पे और हम उठाकर गंदगी को बड़े आराम से अपने दिमाग में जाने देते हैं। मैंने पिछले 22 सालों से ना टीवी देखा है ना न्यूज़पेपर पढ़ा है। फ्रॉम द लास्ट 22 ईयर्स मेरा दिमाग बहुत अच्छा है, साफ एकदम क्लीन मेरा दिमाग है। मैं से गंदा क्यों करूं? मेरी इज्जत मेरी बेइज्जती मेरे दिमाग से है, इसमें मैं उन चीजों को क्यों डालूं जिनसे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ या ना? कोई बोलता है न्यूज नहीं पढ़ेंगे तो बजट को कैसे जानेंगे? क्यों तो बुलाएगी सीतामढ़ी के तो मेरे पास में आके बैठ जाओ, जो भी इसका नाम है कि मेरे पास आके बैठ जाओ बजट में पार्टिसिपेशन करो, आपकी राय तक नहीं जानेगी वो। हाँ या ना? समझना है मेरा दिमाग है मुझे से। अभी सोचो मैं यहां पे सबको पानी सर्व करूं, उस पर डस्ट डाल दूं, कौन कौन पिएगा? क्यों? शरीर बीमार हो जाएगा। अरे बेचारे दिमाग को बीमार करने कितनी चीज डाल रहे हो सुबह शाम तक, कितनी? आपके दिमाग का केयर कौन करेगा? हाँ मैं करूंगा। सो इमोशंस को समझने के लिए, इमोशन तक चीज कब पहुंचती है? पहले क्या आती है दिमाग में याद करो, अभी पीछे आया था, पहले क्या आता है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन से क्या बनते हैं? थॉट से क्या बनते हैं? अगर मैं इंफॉर्मेशन को ही रोक दूं, कोई चीज आपने देखी ना हो सुनी ना हो पढ़ी भी ना हो संगत ना की हो उसके बारे में सोच के दिखाओ। आज से पहले मैं आप लोगों से नहीं मिला था, हाँ या ना? क्या मेरी वजह से कभी किसी को कोई पेन हुआ? क्या मेरी वजह से कभी कोई खुशी मिली? मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता था आपकी लाइफ में। इसका मतलब आज आप जितने भी दुखी हो जितने भी सुखी हो उसका एक ही कारण है, क्या आज तक देखा है, क्या आज तक सुना है, क्या पढ़ा है और कैसे लोगों के साथ रहते हो। हाँ या ना? इट मींस अगर इफ आई चूज द राइट थिंग्स इन व्यूइंग हियरिंग रीडिंग एंड एसोसिएटिंग लाइफ बिकम ब्यूटिफुल। सो चलेगा नहीं चलेगा भी ओके कुछ पढ़ो कोई बात नहीं, हम ऐसे बिना इसके भी हम काम कर सकते हैं।
ये भी एक्साइटेड हो गया. नाउ सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैं इमोशनल, तीसरा है इंट्यूएटिव. तीसरा क्या है? इंट्यूएटिव. इंट्यूएटिव क्या होता है? आपने देखा होगा जितनी भी रिसर्च है आप उठा के देखो, सारी रिसर्च इंट्यूशन से हुई है. फेराडे लॉ, वो करता रहा परेशान हो गया, उठा के इंस्ट्रूमेंट फेंक दिया, फेंका तो वहां कुछ हो गया, उससे हो नहीं रहा था, किससे हुआ? इंट्यूशंस. आप देखना कभी कभी किस सवाल को आप करते रहते हो, कुछ नहीं होता. रात को सो गए, सोते हुए अरे ऐसे होगा, उठे बैठे करने लगे, हो गया. हुआ आपसे किसी के साथ ऐसा? और तब आपको एक सबसे बढ़िया जगह होती है, सुबह सुबह जाते हैं नहीं, जहां हमें सबसे तसल्ली मिलती है, सबसे सुकून का स्थान, जहां पर कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करता है ना. आप देखो दुनिया की सारी रिसर्च वहीं हुई है, जितने अच्छे आइडियाज आते हैं वहीं बैठ के आते हैं, है ना. हाँ आते हैं नहीं आते हैं? सब समझ गए शांति निकेतन, नहीं ऐसा है ना. हाँ क्यों क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो पीस हो जाता है, हमें दिमाग एकदम शांत, अब कुछ नहीं सोच रहा है वो. और जब दिमाग कुछ नहीं सोचता तो फाइल जल्दी डाउनलोड हो जाती है, फिर 256 kbps को अगर एक ही फाइल डाउनलोड करनी तो तुरंत कर देगी. हाँ या ना, समझना ध्यान से. आजकल एक चरण बहुत हो गया यूट्यूब से पढ़ने का चरण, बड़ा खतरनाक है ये, बड़ा ही खतरनाक है. रीजन दूंगा मैं आपको, मेरे पास सब चीजें साइंटिफिक रीजन है क्यों खतरनाक है. आप मुझे बताओ हमारा दिमाग टेक्स्ट में सोचता है या पिक्चर्स में? मैं अभी बोलूं कार, तो कार शब्द आएगा या कोई कार आ जाएगी आंखों के सामने? मैं बोलता हूं मम्मी, तो मम्मी शब्द आएगा या मम्मी आ जाएगी? मैं बोलूं पापा तो कौन आएंगे सामने? हाँ. मैं बोलूं घर तो क्या आ जाएगा सामने? घर. घर शब्द नहीं आएगा. अच्छा अब मुझे बताओ, जो मेमोरी डिजाइन की गई चाहे मोबाइल की चाहे किसी भी चीज की, वो मेमोरी ह्यूमन ने डिजाइन करी या खुद किसी चीज ने डिजाइन की? ह्यूमन ने. तो ह्यूमन ने अपनी मेमोरी से रिलेटेड मेमोरी डिजाइन की होगी. तो जब उनकी स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड है तो इसकी भी तो कुछ ना कुछ लिमिटेशन होगी, हाँ या ना. अब मेरी जो मेमोरी है इसमें मैंने वेस्ट फाइल ज्यादा भर दी. अगर मेरे पास मेरा स्टोर रूम है उसमें मैंने गार्बेज भर रखा और काम की चीज भी उसी में डाल दी, क्या मुझे समय पर मिलेंगी? यही होता है एग्जाम के टाइम पे. पिक्चर भी भर दी, बर्थडे पार्टी भी, शादी की पार्टी भी, फैशन भी, ये कपड़ा भी, वो कपड़ा भी, दोस्त भी, यार भी, रिश्तेदार भी, सारी फाइल यही है. अब बीच बीच में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब क्या हो रहा है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर ढूंढ रहे हैं, पर सामने कभी मम्मी आ रही है ना, कभी कोई पिक्चर सामने आ गई. ऐसा है नहीं होता है? नहीं होता. फिर कहते मेरा ध्यान नहीं लगता. ध्यान तो लगा हुआ है पर चेक कर कहां. प्रॉब्लम ध्यान में नहीं है, प्रॉब्लम तो इंटरेस्ट में है. कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज फॉलो द क्लियर है? क्लियर बात. तो अब क्या, अच्छा बताओ जब आप किसी भी, अगर आपके पास में 256 GB क्यों ना हो, अगर आप उसमें मूवीज डाउनलोड करो तो ज्यादा डाउनलोड होंगी या मूवीज की स्टोरीज ज्यादा डाउनलोड हो सकती हैं? क्योंकि टेक्स्ट जगह कम लेता है, पिक्चर्स जगह. यूट्यूब से जब आप पढ़ रहे होते हैं तो पिक्चराइज ज्यादा हो रहा है, स्पेस ज्यादा घिर रहा है, इसीलिए यूट्यूब या किसी पढ़ने से रिटेंशन स्टडी का बहुत कम होता है. जो बुक से पढ़ते हो, रिवीजन के साथ पढ़ते हो, तो टेक्स्ट की संख्या बढ़ती है. खासकर जब आपका क्या एग्जाम का टाइम आ रहा है, इस टाइम पर आपको किसी भी मूवी को देखना, किसी भी चीजों को देखना, जहां भी पिक्चराइजेशन हो रहे हैं उनसे दूर जाना चाहिए. मेरा एक स्टूडेंट आज IPS ऑफिसर है, एडिशनल कमिश्नर पुलिस है वो दिल्ली के अंदर. बहुत एवरेज स्टूडेंट था 12th क्लास में, लेकिन क्या हुआ, उसने लॉ किया, लॉ करने वाला, अचानक सनक चढ़ गई है ना, मेरे को IAS बनना है. 2 साल तक के लिए उसने मोबाइल वोबाइल सब ऑफ करके रख दिए, एक कमरे के अंदर बंद हो गया. उसके नौकर केवल खाना लेकर अंदर आ सकता था, ना मम्मी से कोई बात, ना पापा से कोई बात. 2 years अगर वो कोई बात करनी है, दे नीड अपॉइंटमेंट टू टॉक टू देम.
और उस बंदे ने आईएएस के अंदर जनरल कैटेगरी में 346 रैंक पाया जो एवरेज था, जो एवरेज था, पर उसने आईपीएस चूज किया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अंडरस्टैंड द थिंग्स। स्टडी अगर आप करना चाहते हो तो पिक्चर्स से, किसी प्रकार की पिक्चर्स से कुछ समय के लिए दूर हो जाओ, आपके सारे डर निकल जाएंगे। मेक अ प्रॉपर प्लानिंग, मेक अ प्रॉपर गोल, एक गोल बनाओ, रिवीजन स्ट्रेटजी बनाओ। और जब भी कभी आपको स्ट्रेस हो, आप एक एक्सरसाइज करो, मैं आपको बताता हूं। जी बाहर निकालो, सब निकालो, सर सबने निकाली, फोटो पे घुमाओ। अब अंदर दांतों पे दोनों साइड। अब देखो मुंह में कुछ इकट्ठा हो गया, स्लाइवा सटक जाओ। जब आपको स्ट्रेस होता है तो गला सूखना शुरू हो जाता है, और जब ये स्लाइवा बनता है, ये स्लाइवा दुनिया की सबसे बड़ी औषधि होती है। आप ये बार बार करते जाओ, स्लाइवा को सटकते जाओ, उस पर्टिकुलर टाइम पे स्ट्रेस कम हो जाएगा। एक दूसरा, गहरा सांस लो, जिसमें पेट फूलना, पेट पात रखो, सब अपने पेट पात रखो, गहरा सांस लो, सांस छोड़ दो, फिर सांस लो, सांस छोड़ दो। जितना आप ये सांस लोगे और ये चीज होगा, स्ट्रेस क्या होगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ये फिजिकली स्ट्रेस की बात है, क्योंकि ये चीज हमारे पास होती है। बाकी तो मेंटल स्ट्रेस कैसे कम होगा, चूज द राइट इंफॉर्मेशन। एक चीज कर लीजिए आप सब, अपने भी डायरी में 3 कॉलम बना लीजिए। यू मेड 3 कॉलम्स इन योर डायरी, सभी ये 3 कॉलम आप बना लीजिए, और पहले कॉलम में आप लिखिएगा इंफॉर्मेशन। ये सेल्फ काउंसलिंग है। अगर ये आपने कर लिया, आपको दुनिया में किसी काउंसलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को भी, चाहे जिंदगी में कोई भी समस्या हो। इंफॉर्मेशन सेकंड में लिखिएगा, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और थर्ड में लिखिएगा डेस्टिनी। आज आप अपनी पसंद, हमें को पता है डेस्टिनी कौन बनाता है, हम या भगवान? हम ना। तो अपनी पसंद की डेस्टिनी लिख दो। किसी को 100% नंबर चाहिए अपनी क्लास में, लिख दो मुझे 100% नंबर चाहिए। क्या लिख दो, क्या चाहिए मेरे को? कोई पूछेगा आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। अब ये चेक करो कि अब मैं दिन भर में जो इंफॉर्मेशन फीड कर रहा हूं, आंख से, कान से, पढ़ाई से और एसोसिएशन से, क्या चारों सोर्सों से जो भी इंफॉर्मेशन मेरे अंदर जा रही है वे 100% मार्क्स की तरफ जा रही है या 100% से अपोजिट जा रही है? एक चीज चेक करनी है बस। आंख से सपोज मेरा मन कर रहा है थोड़ी देर मूवी देख लूं, अपने से सवाल पूछो उसी समय पे, मूवी की जितनी इंफॉर्मेशन जाएंगी ये मेरे को सब्जेक्ट में 100% की तरफ लेकर के जाएंगी या मेरे मार्क्स कटने की तरफ लेकर के जाएंगी? मैं नहीं कहूंगा देखो या मत देखो, यू चूज, यू चूज। आप सोचो मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए, क्या ज्यादा सो के ज्यादा खा के अच्छी हेल्थ मिलेगी? हम लोग कर्म चुन सकते हैं या भाग्य? कर्म। आप बीज चुन सकते हो, फल नहीं, हाँ या ना? अगर मैंने आम का बीज बोया है उससे कभी कांटे आएंगे? और कभी कांटे बोए हैं तो क्या उससे कभी आम आएगा? समझ रहे हैं मेरी बात? सो इंपॉर्टेंट चीज क्या हो, इंफॉर्मेशन। सेकंड चीज क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं एग्जांपल देता हूं, मैथमेटिक्स में कई सारी बुक्स हैं, आर एस अग्रवाल भी है, आर डी शर्मा भी है, और भी बहुत सारी बुक होंगी। मेरे टाइम पे ये था, आर एस अग्रवाल है, आर डी शर्मा है, उसके बाद में मैं ऊपर बात करूं तो टाटा मैक्रो हिल्स है। टाटा मैक्रो हिल्स बहुत ही शानदार बुक है अपने आप में, है ना, क्योंकि हमने उस टाइम पे वो सॉल्व की थी। तो अब इंपॉर्टेंस एमएल खन्ना भी है बीच में, है ना, कई सारे थे मेरे टाइम पे, तो ये थे, अब कुछ नए भी आगे होंगे, आई डोंट नो, करंटली मुझे नहीं पता। तो इंपॉर्टेंट क्या है, अब आप चेक करो द इंफॉर्मेशन इन आर एस अग्रवाल एंड आर डी शर्मा एंड एम एल खन्ना एंड टाटा मैक्रो हिल्स, किसकी सुपीरियर है? अगर टाटा मैक्रो हिल्स सुपीरियर है, तो अगर मेरी इंफॉर्मेशन सुपीरियर चीज से आएगी तो मेरी डेस्टिनी सुपीरियर बनेगी या लोअर बनेगी? सिंपल। अगर मैं सोर्स लोअर चूज करूंगा, इंफॉर्मेशन भले ही राइट भी हो लेकिन सोर्स लोअर है, डेस्टिनी वीक हो जाएगी। इंफॉर्मेशन भी राइट होना चाहिए, सोर्स भी राइट होना चाहिए, देन डेस्टिनी बिकम कंफर्टेबल। लेट्स सी, सपोज मुझे अगर कोई भी चीज है, ध्यान समझना है, मैंने कोई सोर्स चूज कर लिया, राइट सोर्स चूज कर लिया, बट मेरे को लग रहा है कि उससे मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी,
तो मुझे अगेन एक और सोर्स चूज करना है, द राइट टीचर, द राइट मेंटर, हु विल गाइड मी, हु विल टीच मी, कौन कर सकेगा इन चीजों को, उसके पास मुझे चले जाना चाहिए और जाकर के उस चीज को देखिए। जब व्हेन यू फोकस ऑन द सॉल्यूशन, व्हेन यू पुट योर 100% एनर्जी टुवर्ड्स दोज सॉल्यूशंस हु रीचेस टुवर्ड्स योर डेस्टिनी, देन यू विल गेट व्हाट यू वांट इन लाइफ, व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ, जो भी कुछ आप चाहते हो अपनी जिंदगी के अंदर। गॉट इट? तो क्या करना, किसी चीज में सपोज करो मुझे चाहिए मेरी जिंदगी में हैप्पीनेस, क्या चाहिए मुझे हैप्पीनेस। लेट से अब मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं जिसकी वजह से कोई दुखी हो रहा है, समझ रहे हो ध्यान से, मैं कोई एक्टिविटी कर रहा हूं जिससे कोई दुखी हो रहा है, अगर कोई मेरी एक्टिविटी से दुखी हो रहा है तो मैंने अपने लिए दुख के बीज बोए हैं या सुख के? कर्म एक बीज होता है, हाँ या ना? जब हम आम का एक बीज बोते हैं उस पर एक आम आता है या सैकड़ों आम आते हैं? अगर एक आम पर सैकड़ों आम आते हैं तो अगर मैंने किसी से एक गंदा बोल बोला, मैंने किसी के लिए गलत बोला, तो मेरे से 100 लोग गलत बोलेंगे ही बोलेंगे, मैंने बीज बो दिया है। मैंने किसी के लिए गंदा सोचा, अब मेरे लिए 100 लोग गंदा सोचेंगे, मैं चाहूं ना चाहूं, बीज बो दिया है, उसका फल ना निकले ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए गीता में कहा गया है, अर्जुन तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, कर्म चुनते ही तूने फल अपने आप चुन लिया है। आप कर्म का चुनाव कर सकते हो, फल का चुनाव आप नहीं कर सकते। यू गॉट माय थिंग? अभी मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, एक सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन हमारी लाइफ में होता है ना, जो हमारी सारी जर्नी खराब करता है। लास्ट है स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल इज द हाईएस्ट। क्यों हाईएस्ट है? हु एम आई? आप सब अपना अपना हाथ ऐसे करो, हाथ करो, आप क्या बोलते हो इसको, क्या बोलते हैं हम इसको, क्या है ये? अच्छा, ये आपका हाथ है या आप हाथ हो? याद रखो, ये आपका सिर है या आप सिर हो? हमारा सिर है। याद रखो, ये आपका चेस्ट है या आप चेस्ट हो? ये आपका पेट है या आप पेट हो? समझ रहे हो ना मेरी बात? जब ना मैं हाथ हूं ना आंख, अच्छा आंखें देखती हैं, आंखें देखती हैं, हाँ या ना बोलो भाई, देखती है? तो मुर्दे क्यों नहीं देखती? आंखें नहीं देखती, आंखों से कोई देखता है, वो कौन है? दैट इज स्पिरिट, दैट इज एनर्जी, दैट इज सोल। मैं साइंटिस्ट से बात कर रहा था, मेरे साइंटिस्ट बोलता है सोल डजंट एग्जिस्ट, ओके? ये बोलता है सोल इज जस्ट एनर्जी। मैंने कहा अच्छा। मैंने उसे सवाल पूछा, इट्स एन एनर्जी। मैंने कहा अच्छा, इलेक्ट्रिक एक एनर्जी है, मैग्नेटिक एक एनर्जी है, हाँ एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, वेव एनर्जी है, साउंड एनर्जी है। मेरे को एक सवाल का जवाब दो सब मिलकर के, ये सारी एनर्जीज क्या खुद को डायरेक्ट कर सकती हैं? हाँ जी, खुद को डिसीजन ले सकती हैं? नहीं। खुद को ड्रीम कर सकती हैं? खुद को प्रोडक्टिविटी कर सकती हैं? हाँ या ना? नो। लेकिन सोल, सोल कैन ड्रीम, सोल कैन डिजाइन, सोल कैन डिसाइड, सोल कैन डायरेक्ट, सोल कैन चैनलाइज ऑल द एनर्जीज, हाँ या ना? That's why spiritual energy is different. अच्छा दूसरी बात, अगर ये केवल एनर्जी है तो हम सब में एनर्जी है ना? अभी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, चाहे इस बल्ब में, चाहे इस बल्ब में, चाहे उस बल्ब में, सब में एक ही जैसी है ना? तो हम सब एक जैसे क्यों नहीं है? हम सब एक जैसे क्यों नहीं है? सबके सब अलग अलग है ना, हाँ या ना? सबका माइंड अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है, सबके थॉट प्रोसेस अलग अलग है, तो क्या ये एनर्जी कही जा सकती है? नो, सोल इज नॉट एनर्जी, सोल इज अ स्पिरिट, स्पिरिचुअल एनर्जी, इनविजिबल एनर्जी, लिविंग एनर्जी, इसीलिए इसको जीव कहा जाता है। एक व्यक्ति है जो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, उसके अंदर क्या नहीं है? सोल नहीं है। तो पावर किसके अंदर है? सोल के अंदर या बॉडी के अंदर? देखो सोल अंदर है, आप दो पैरों पे दौड़ लगा सकते हो, सोल अंदर से निकल गई, चार कंधे चाहिए ले जाने के लिए भी, हाँ या ना? सो एम्पावर किसको करना है? मुझे सोल को, मुझे देखना है कि मैं सोल की पालना करने के लिए क्या कर रहा हूं, व्हाट आई एम डूइंग, वो है स्पिरिचुअल एनर्जी। उसी के लिए आज हम थोड़ी सी बात करेंगे मेडिटेशन कैसे रोल प्ले करता है, लेकिन उससे पहले मोबाइल फोन इज द बिगेस्ट डिस्ट्रक्शन, से क्या नुकसान होते हैं, मैं आपके लिए एक और अपने साथी को लेकर आया हूं। हमारी पूरी जो कंपनी है दिव्या वेलनेस, इट्स अ वंडरफुल कंपनी, जिसके अंदर जो यहां पर आप देख रहे हो पूरी टीम यहां पर आपके सामने है, चाहे आप देख रहे हैं रश्मि दीदी सामने खड़े हुए हैं, ये हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है इस कंपनी के अंदर, एंड मी एंड द सेकंड पर्सन जिनको बुलाने जा रहा हूँ डॉक्टर दिवाकर शुक्ला, इज अ नेचुरोपैथी डॉक्टर एंड योगा इंस्ट्रक्टर, लॉट ऑफ थिंग्स ही डन, वे आपके सामने भी आने वाले हैं और वो ऑरा चेक करके बताएंगे कि मोबाइल फोन कैसे आपके ऑरा को खा जाता है,
कैसे आपके सारे चक्रास को ब्लॉक कर देता है. इट ब्लॉकेज योर चक्रास. जब चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं कैसे बीमारियां आपकी बॉडी के अंदर क्रिएट होती हैं. मैं उनको स्पेशल लेके आया हूं. हमारे पास मशीन है जो ऑरा स्कैन करेगी, जो आपके बताएगी, एक या दो लोगों पर हम करके दिखाएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा वहां पर कि क्या होने जा रहा है. और मोबाइल फोन कितनी खतरनाक चीज होती है, ये क्यों बहुत ही कम से कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, हम लाइव में आपको साइंटिफिकली फील करा के दिखाएंगे. हम कोई भी अच्छी बात नहीं करने जा रहे. सो हैव यू वेलकम द स्टेज जोरदार क्लैपिंग के साथ डॉक्टर दिव्या शुक्ला. और हमारी टीम के अंदर अंशु जिनको आप देख रहे हैं वो पूरे मार्केटिंग को हैंडल करते हैं और पूरा मीडिया को हैंडल करते हैं, ठीक है. और साथ में अंशु स्टूडेंट के साथ में हम काउंसलिंग्स करते हैं, हम बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में सेमिनार्स करते हैं, हम सारी चीजों को लेकर के बहुत पैशनेट हैं. हम हर लेवल पर लोगों से बात कर रहे हैं और माइंड को कैसे एम्पावर किया सके उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं. क्योंकि माइंड अगर एक बार सही तरीके से चैनलाइज हो गया पूरी जिंदगी चैनलाइज हो जाएगी. एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है. नाउ सो हेल्प मी वेलकम दिवाकर जी. नमस्कार सभी को. कैसा लगा आपको सर? एक जोरदार क्लैपिंग करेंगे सर के लिए. और तेज हो सकती है. क्लैपिंग करने से क्या फायदे हैं पता है ना आपको? क्या फायदे हैं? हमारे बॉडी के अंदर जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं सारे क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं. अगर आप डेली 2 से 3 मिनट डेली इसको क्लैपिंग करते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से दूर हो जाएंगे. ठीक है. क्योंकि एक दो से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि हम लोग 4-5-6 डॉक्टर अपने आप बैठे थे साथ में, कुछ एलोपैथिक वाले थे कुछ होम्योपैथिक वाले थे. उन्होंने बोला कि आज तक उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो वो क्लैपिंग करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब वो तो बीमार नहीं होते क्योंकि क्लैपिंग करते रहते हैं. तो क्लैपिंग से इतने फायदे हैं. तो इतना जोरदार क्लैपिंग फिर से करेंगे. अभी हम जो बात करने जा रहे हैं कि हम मोबाइल फोन जो यूज करते हैं, मोबाइल फोन यूज करना अच्छी बात है या खराब बात है? लिमिटेड करेंगे तो अच्छी बात है क्योंकि एक मोबाइल से सब कुछ काम हो सकता है नहीं आज, लेकिन एक्सेस करेंगे तो क्या है, खराब है. तो मोबाइल फोन करता क्या है? मोबाइल फोन करता है कि ज्यादातर हम जब यूज करते हैं तो हमारे जो एनर्जी सेंटर होते हैं बॉडी के उसको क्या डिस्टर्ब करता है. सबको पता है ना कि हमारे बॉडी के अंदर 7 एनर्जी सेंटर होते हैं, पता है कि नहीं? 7 चक्राज होते हैं. पहला चक्राज कौन सा होता है? कौन सा? सहस्रार चक्र बोलते हैं इसको. दूसरा चक्राज कौन सा होता है? आज्ञा चक्र होता है. तीसरा चक्र कौन सा होता है? विशुद्धि चक्र है ना, पता है. मैं आउट ऑफ सिलेबस बात तो नहीं कर रहा हूं. फोर्थ चक्राज कौन सा होता है? अर्हत चक्र. उसके बाद हमारा लास्ट जो नीचे का चक्र होता है मणिपुर चक्र, उसके नीचे स्वाधिष्ठान चक्र और लास्ट में मूलाधार चक्र. ये 7 चक्राज होते हैं, 7 एनर्जी सेंटर होते हैं जहां से आपकी एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर जाती है. जैसे आप देखिए, अगर आपके घर में बहुत अच्छा कंपनी का मिक्सर ग्राइंडर हो और लाइट ना आए तो चलेगी? चलेगी. इसी तरीके से आज जितनी भी बीमारियां हो रही हैं बॉडी के अंदर वो क्या है? एनर्जी की कमी है. कौन सी एनर्जी? अभी जो फिजिकल एनर्जी है इससे तो हमारा सब कुछ चलता है, लेकिन इसके बाद स्पिरिचुअल एनर्जी जो हमारे पास आती है उससे हमारी बॉडी रन होती है. अगर वो आनी बंद हो जाए तो क्या होगा? शरीर काम करना बंद कर देगा. इसलिए हमें क्या करना है? उस एनर्जी को रिसीव करना है. जैसे कहते हैं हमारे जी अभी जो बात कर रहे थे कि सोल जो उसको एनर्जी बोलते हैं, वहां से एनर्जी कहाँ आती है? हमारे माइंड में आती है. माइंड ही फिर पूरे बॉडी में ट्रेवल करती है. लेकिन क्या होता है, अगर हम ज्यादा समय तो मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं ईयर पे रख करके, हम लोग कब सोते हैं? मोबाइल फोन को ले करके सोते हैं. ठीक है. कितने ऐसे साथी हैं जो सिर के पास रख के सोते हैं? अगर नहीं सोएंगे तो कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ जाए या मोदी जी उनको फोन करने वाले हैं कोई डिसीजन लेने के लिए, अगर उनसे नहीं बात करेंगे तो डिसीजन नहीं ले पाएंगे. ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? आप बिलीव नहीं करिए. कोई एक्चुअली जापान से एक मैम आई थी, वो योगा सीख रही थी मेरे से. उन्होंने बताया सर कि फॉरेन में क्या होता है कि जो लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं बच्चे ले जाते हैं क्लासरूम में, वहां पे डस्टबिन रखा रहता है,
आप डस्टबिन में मोबाइल फोन डालोगे फिर आप जाओगे क्लासरूम में, क्यों? और फिर जब आप आएंगे वापस फिर डस्टबिन से निकाल के लेके जाएंगे। तो मोबाइल फोन अच्छा है लेकिन ज्यादा यूज करने से वो क्या होता है, खराब होता है। तो मोबाइल फोन का हम लाइव डेमो दिखाने के लिए हम दो चार साथी को बुलाएंगे, आ जाए, दो चार बच्चे आ सकते हैं, एक गर्ल साइड साथी, एक बॉय साइड साथी, एक पेरेंट भी आना चाहे तो आ सकते हैं। यस प्लीज, एक प्लीज कम थोड़ा जल्दी आ जाइए, आप भी आ सकते हैं, आ जाइए, मोस्ट वेलकम। अभी हम क्या करेंगे, इनका एनर्जी भी स्कैन करेंगे और मोबाइल फोन क्या कैसे हार्मफुल होता है उसको भी हम देखेंगे। अभी आप देखेंगे जो भी इनके साथ एक्टिविटी करेंगे उस एक्टिविटी को यू विल ऑब्जर्व। सब अपने अपने हाथ को ऐसे कर लीजिए, आप सब बहुत ध्यान से देखेंगे इस एक्टिविटी को, एवरीवन ऑब्जर्व इट, ये बहुत प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। अभी ये देखेगा, ये इनके हाथ को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, अभी मैं इनके हाथ की गिराने की कोशिश, आपको पूरा रोकना है, ठीक है? आप यहाँ उधर कर लीजिए सीधा, नहीं नहीं ये लगवा दो, अभी मैं इनके हाथ को भी गिराऊंगा। हम देखे लोगों, डिफरेंट डिफरेंट लोगों को क्यों बुलाए हैं, क्योंकि आप फील कर सके, क्योंकि एक ही लोगों पर हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आप इसको रोकने का प्रयास करिए, फील हो रहा है कुछ, ठीक है? अभी हम मोबाइल लीजिए, क्या तो अपना ही हमारे पास है मोबाइल, हम इस्तेमाल करते हैं। हम लोग करते क्या है, दो से तीन मिनट या एक एक घंटे भी बात करते हैं ना, करते ही नहीं करते हैं, एक घंटे जब हम बात करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है, हाँ ज्यादा कुछ नहीं होगा, आपका हो सकता है लंग्स, हो सकता है हार्ट, हो सकता है लीवर, हो सकता है किडनी, इन सब में एनर्जी नहीं जाएगी तो कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देगी, तो क्या होगा, हाँ नहीं कुछ होगा नहीं। चलिए ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ईयर के पास अपना मोबाइल रखेंगे, कान पे रखेंगे और कुछ समय के लगा के रखिए, आप एक मिनट कुछ सेकेंड लगाइए, और फिर से हम हाथ को फैलाएंगे, और फिर से हम इनके हाथ को गिराएंगे, ठीक है? आपको रोकना है, पूरा पावर लगाना है, एक्सरसाइज होकर पानी पीजेंगे तो आपकी मूवमेंट भी बढ़ जाएगी। योगा में बहुत सारे लोग करते हैं ना, उनका मूवमेंट कम होता था, उनको पानी एनर्जी एनर्जी एनर्जाइज करके दीजिए, उनका मूवमेंट भी ज्यादा हो जाता है। अभी हम इसको चेक करेंगे एक मिनट के अंदर, क्योंकि हमारे शरीर में 70% वाटर है, तो हर एक सेल में वाटर है, वो जाकर किस प्रकार से काम करता है, यू कैन सी द डिफरेंस। अब देखोगे ज्यादातर चीजें उनकी स्टेबल हो जाएंगी उतने ही टाइम के अंदर। जो गले का जो ऑरा बंद हो गया था, आपने देखा होगा कि वो वाला जो चक्र है उनका, वो ओपन हो चुका है। ओपन है माना कि ये रुकेगा, ओपन नहीं है तो नहीं रुकेगा। अभी इनके सातों चक्रात जो है क्या है, ओपन हो चुके हैं, अभी इनको कोई भी डाल के चक्रात जब बंद होने से कभी नहीं दिक्कत नहीं होगी, आगे दिक्कत होगी। चक्रात बंद होने से क्या होगा, कुछ समय के लिए आपकी बॉडी में एनर्जी क्या हो गई, रुक गई है। अब उस जगह पे कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम एक साल दो साल तीन साल के बाद आ सकती है। इसलिए आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी से पूछा गया कि आप बीमार क्यों नहीं पड़ते, उन्होंने बोला मैं अपना इलाज फिजिकल लेवल से पहले अपने सूक्ष्म लेवल पे करता हूँ, करेलियन फोटोग्राफी से, अपना करेलियन फोटोग्राफी से फोटोग्राफी कराते हैं, उसमें जिन चक्राज बंद होते हैं उस चक्राज को पहले ही ओपन कर लेते हैं जिससे वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं, ठीक है? ये सीक्रेट है स्वस्थ रहने का। आपको फिजिकल कोई बीमारी होगी उसके बाद आप उसका ट्रीटमेंट करें, उससे पहले आप इमोशन के रूप में जो बीमारी है उसको पहले ट्रीटमेंट कर लीजिए। एक मिनट पकड़ेंगे इसको, अभी इनका ऑरा चेक होगा कि पहले ऑरा कितना था, अभी ऑरा कितना बढ़ गया है। अब देखिए जो एक फिट का ऑरा था अभी कितना ज्यादा बढ़ चुका है, ऐसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और ये बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही प्रैक्टिकल है, कोई भी इस चीज को फील एंड एक्सपीरियंस कर सकता है। ओके, सेकंड के लिए हम इनका हाथ भी चेक कर लेते हैं, हाथ में जो पावर इनकी कम थी पूरा सीधा करिएगा। हाँ, फिर से, और फिर से मैं इनको हाथ को गिराऊंगा, ठीक है? आपको फिर से रोकना है, आप ठीक है रोकिएगा, पूरा पावर लगाइए,
अब नहीं गिर पा रहा है, जबकि वो कुबेर कितनी भी ताकत लगा रहे हैं बट वो गिरने नहीं दे रहे। वही हाथ है, वही वो व्यक्ति है, सारी भीड़ लगा दस काफी अच्छा है, उनको अच्छा भी बहुत लग रहा है। थैंक यू सो मच। इन सब के लिए ज्यादा क्लैपिंग करेंगे प्लीज दियो को सीखे। बस अब लास्ट में हम हैं, इस सब चीज को करने के लिए वी नीड अ हार्डकोर डिसिप्लिन। मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद बस आपको मेडिटेशन का एक स्पेशल टेक्निक बताऊंगा जिसके द्वारा आप किसी प्रकार के डर से बाहर आ सकते हो। क्योंकि एक बात और याद रखना मेरी बात, मैंने आपको एक चीज बताई थी, हम कौन हैं, हम सोल्स हैं ना कि हम बॉडी हैं। ये क्लियर है बच्चों, क्लियर है? अब मेरा एक सवाल आप जवाब दीजिएगा, जब हम दुनिया में आए थे, सपोज करिए मेरे हाथ में डायरी है, ये खो जाती है। अच्छा सोचो, हमारे जीवन में दो बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है, एक वर्ड है सैडनेस, एक वर्ड है फियर। सबको है या नहीं है? अच्छा सैडनेस का मतलब क्या है? एक ही स्टेटमेंट सैडनेस का मतलब है, आई लॉस्ट समथिंग, मेरा कुछ खो गया, हाँ या ना? मेरे नंबर कम आए, मेरी इज्जत चली गई, मेरे पैसे खो गए, मेरा मोबाइल खो गया, इसने ऐसा क्यों कह दिया, उसने ऐसा। ऑलवेज इन पास्ट एंड अबाउट समथिंग लॉस्ट, हाँ या ना? इट क्रिएट सैडनेस। फियर क्या है? आई एम गोइंग टू लूज समथिंग, कहीं मेरा कुछ खो ना जाए। ऑलवेज इन फ्यूचर, हाँ या ना? अब मैं कौन हूं? आई एम अ सोल, आई एम इनविजिबल एनर्जी। अब चेक करो, जितनी भी चीजें आज तक खोई हैं या जिनको भी खोने का डर है, क्या उन्हें हम लेकर पैदा हुए थे? क्या उन्हें लेकर के जा सकते हैं? अच्छा, वे सारी सारी चीजें डिस्ट्रॉयबल हैं या हमेशा रहने वाली हैं? इटरनल हैं, डिस्ट्रॉयबल हैं। तो आप मुझे बताइए, जब डिस्ट्रॉयबल हैं तो उनको तो डिस्ट्रॉय होना ही है ना। अच्छा एक और चीज बताइए, जब भी कोई चीज खोई है आपकी, उसके बाद जब दूसरी आई तो उससे अच्छी आई या खराब आई? इसका मतलब क्या है कि खो रही है तो अच्छी आने वाली है ना, तो दुखी किस बात के लिए होना है, हाँ या ना? सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ना कोई सैडनेस है और ना ही कोई फियर है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट, बहुत ध्यान समझना इस वाली बात को। हिंदुस्तान में ये वाली परेशानी कुछ जरूरत से ज्यादा है, यहाँ लोगों की इज्जत बेइज्जती बहुत होती है। होती है? किस किस की इज्जत होती है यहाँ पर, हाथ उठाओ। अच्छा किसी की इज्जत नहीं है, सब बेइज्जत बैठे हैं, तो हाथ उठाओ जिसकी इज्जत भी होती है और बेइज्जती भी होती है। होती है ना, पक्की बात ना? अच्छा आप बताओ इज्जत क्या है? अभी मैं आप सामने खड़ा हूं, सपोज आप सब मेरी तारीफ कर दो तो मैं समझूंगा मेरी इज्जत होगी, हाँ या ना? आप सब मेरी बुराई कर दो, मैं सोचने लगूं मेरी बेइज्जती होगी। अब आप एक बताओ, जब आपने मेरी तारीफ करी तो आपने अपने मेंटल स्टेटस का परिचय दिया या मेरे मेंटल स्टेटस का? तो आपने अपनी इज्जत करी या मेरी करी? अच्छा अब आपने मेरे बारे में खराब खराब बोला, तब भी आपने किसके माइंड की परिचय दिया? तो बेइज्जती अपनी करी या मेरी? तो बताओ मेरी कैसे हो सकती है इज्जत बेइज्जती आपसे? मेरी इज्जत बेइज्जती मेरे करेक्टर की वजह से होगी। सामने वाला आपके बारे में जो कह रहा है ये सिर्फ उसकी ओपिनियन है, फैक्ट नहीं। इसलिए ना कोई रिस्पेक्ट होता है ना कुछ डिसरिस्पेक्ट होता है। रिस्पेक्ट एंड डिसरिस्पेक्ट ऑलवेज एग्जिस्ट कहां पर? मेरे अंदर, मैं कैसा हूं। और इस चीज के लिए मैं क्या करता हूं, आई डिजाइन माई लाइफ डेली। आप ये देखोगे, ये मेरी डायरी है, मैं रोज 1.5 घंटा रिटन मेडिटेशन करता हूं। इसका एक पेज मुझे लिखने में 1.5 घंटे का वक्त लगता है, बट इसमें मैं लिखता क्या हूं ये इंपॉर्टेंट है। मैंने मेरी स्पेशल लाइफ में कहा सीखा है कि माइंड कुछ नहीं है, थॉट का कलेक्शन है, तो क्यों ना मेरे माइंड में सदा बेहतरीन थॉट ही रहे। आप बताइए, आपकी बुद्धि अच्छा काम, आपकी बुद्धि माइंड का पीछा करती है या माइंड बुद्धि का पीछा करता है? माइंड बुद्धि, बुद्धि माइंड का पीछा करती है। आप देखो, आपका मन कह रहा होगा यार मूवी देखने चलो, बुद्धि कितना है समझा ले, एग्जाम है, चीजें हैं, समझने की कोशिश कर, खराब हो जाएगा पेपर। अरे इतने से कुछ नहीं होता। तो बुद्धि किसके पीछे गई, माइंड के पीछे या माइंड बुद्धि के पीछे? समझ गए ना? कितनी भी अच्छी बात हो, अगर माइंड को पसंद आ गई है, बुद्धि की नहीं चलती। इसलिए इंपॉर्टेंट किसको सजाना ज्यादा जरूरी है, तैयार करना माइंड को। इसलिए माइंड में अगर थॉट पावर सही हो गई तो बुद्धि अपने आप उसे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं सुबह उठता हूं, मैं इसमें जो वो लिखता हूं जैसी जिंदगी मुझे चाहिए। मैं ऐसा हूं नहीं अभी तक, बन रहा हूं, लेकिन मैं लिखता वही हूं जो मैं चाहता हूं। जैसे सपोज मैंने, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कभी लिखता मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो थैंक यू गॉड आपने मुझे दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी बनाया है। मान लिया मेरे को गुस्सा बहुत आता है, मैं लिखता नहीं हूं, मैं लिखता हूं थैंक यू गॉड आपने मुझे शांति से भर दिया है, आई एम अ पीसफुल सोल।
मेरे अंदर इतनी पीस है कि हर वक्त मैं किसी भी चीज का रिस्पॉन्ड बहुत शांति के साथ करता हूं। और ये करते 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 क्या होगा, जैसे कॉन्शियस माइंड से गाड़ी चलाते चलाते सबकॉन्शियस चलाने लग जाता है, हजार किलोमीटर गाड़ी चला चले जाते हैं पता भी नहीं चलता, उसी तरीके से शांति नेचुरल हो जाएगी, पीस नेचुरल हो जाएगा, हमारे पास में लव नेचुरल हो जाएगा, केयर नेचुरल हो जाएगा। मैं इसमें हाईएस्ट थॉट लिखता हूं अपने आपके बारे में, थैंक यू गॉड आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी ऑन दिस अर्थ, रेशनली इमोशनली इंटुइटिवली स्पिरिचुअली आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आई एम बेस्ट ऑनेस्ट डेडिकेटेड एक्टिव अलर्ट डिसिप्लिन डिटरमाइंड फोकस्ड ड्रीमर, थैंक यू गॉड आपने मुझे दुनिया का बेस्ट स्पीकर बनाया है, बेस्ट रीडर बनाया है, बेस्ट राइटर बनाया है, बेस्ट ऑथर बनाया है, एवरीथिंग इज बेस्ट फॉर मी, थैंक यू गॉड आप क्योंकि मुझसे कंबाइंड हो इसलिए मैं धरती का कोई भी काम बहुत आसानी से कर सकता हूं, क्योंकि आप तो वैसे भी बच्चे हो, बच्चों को तो महात्मा कहा जाता है। आप सोच के देखो वाल्मीकि जी कौन थे, डाकू कहते थे ना उनको, डाकू रत्नाकर कहा जाता था उनको, लेकिन सोचो जब उनको समझ में आया कि कोई मेरे भाग्य का भागीदार नहीं होगा तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, मरा मरा से बोलना शुरू किया, राम राम प्यारे, और कितनी बड़ी रामायण लिख गए। आप प्रैक्टिकली अपने आपके बारे में सोच के देखो, हम सब तो डाकू भी नहीं है, तो हमारे तो ऊंचे संत बनने के और ज्यादा चांसेस है, हाँ या ना, हमें तो राम कहना भी आता है, समझ रहे हो ना मेरी बात, सो वी प्लान, लेकिन इसके लिए बहुत डिसिप्लिन होना पड़ता है, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, आपके एफर्ट कम हो या ज्यादा हो मैटर नहीं करता, मैं एक बूंद पत्थर पे गिरा हूं क्या होगा, कुछ होगा, बूंद बिखर जाएगी, लेकिन उस बूंद को लगातार पत्थर पे वही गिराता रहूं क्या होगा, एक दिन पत्थर बिखर जाएगा, एक दिन पत्थर बिखर जाएगा, और ये पावर ऑफ डिसिप्लिन है। इसके लिए वीडियो है, ये देखेंगे, फिर मैं आपके साथ एक प्रेयर करेंगे और उसके बाद फिर हम घर जाएंगे, किसी को सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं बाद में। जस्ट यू सी दिस वीडियो, इसको आप जानते हो अक्षय कुमार है ये, और सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, और कितना सक्सेसफुल है, क्यों सक्सेसफुल है, आप इस अगर किसी ने देखा हो वीडियो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप देखिए, सिर्फ एक्शन ही आता है, I always think a change is the most important thing in anybody's life. Every time anybody tries to put an image on me, I have always jumped to some other image. To be honest, I have just been myself. Being yourself, that is an extraordinary thing. जहां लोग दौड़ रहे हैं ना वहां आप मत दौड़े, अपना अलग एक रास्ता बना लीजिए, अगर कोई नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप अकेले हो जाइए, आप अपना अकेला कुछ करिए, कुछ ना कुछ सही होगा, करियर को मैंने करियर नहीं माना है, मैंने अपना पैशन माना है, और जिस दिन किसी इंसान का काम उसका पैशन बन जाता है उसके लिए फिर वो आंख बंद करके सारी उम्र भी लगा देना वहां से कोई उसको हिला नहीं सकता। आई एम वेटिंग टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड स्टार्ट वर्किंग। जब से मैं पैदा हुआ तब से आज तक कैसा दिन कभी नहीं गया कि मैंने उगता सूरज नहीं देखा। माय रूटीन स्टार्ट्स एट मॉर्निंग 4 o'clock। यही एक मौका मिलता है 1 घंटे का 4 से लेकर 5 बजे तक, क्योंकि मैं जब अकेला रहता हूँ, एंड दैट इज द बेस्ट टाइम व्हेन आई थिंक कि अब मैं क्या करूँगा। अ पर्सन नीड्स एवरी डे 1 घंटा तो कम से कम चाहिए खुद के लिए, जो वो सिर्फ सोच सके। उसके बाद 5:15 बजे कसरत शुरू करता हूँ, स्विमिंग करने चला जाता हूँ, 2 घंटे मुझे कहाँ मैं कसरत के लिए चाहिए। आई वर्क 8 hours a day. 8 hours is good enough, but in that 8 hours I am on the set. I don't move away from the set. I don't go sit in my vanity van. I sleep every day at around 9:30. हमारे यहाँ मैं देखता हूँ कि कितने लोगों को पेट की प्रॉब्लम है, मोटापा है। आप 1 घंटा नहीं दे सकते अपने शरीर को कसरत करने के लिए। 6:30 बजे के बाद खाने की कोई जरूरत नहीं, आपका शरीर नहीं मांगता इतना खाना। देखो आपकी सेहत कहां से कहां पहुंच जाएगी। सिंपल थिंग है, सिंपल। दिस इज ऑल इन योर हैंड्स, योर हेल्थ इज इन योर हैंड्स, योर लाइफ इज इन योर हैंड्स। इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग
We make it very complicated. समझ आया? Discipline is important. अगर उस व्यक्ति के अंदर डिसिप्लिन है तभी वो कंसिस्टेंट ग्रो कर सकता है. जहां भी जाकर के आप सिंपल चीजों को करना बंद कर दोगे, चीजें कॉम्प्लिकेट होना शुरू, मां सरस्वती आपके लिए वो वरदान कर देगी. आप ये फील करो कि वो सुप्रीम ताकत परमात्मा शिव सामने जो चित्र लगा हुआ है, ये पॉइंट ऑफ लाइट, यही गॉड है. क्यों? क्योंकि हम पॉइंट ऑफ लाइट है. हर धर्म ने इनको पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में ही माना है. हिंदुओं ने शिवलिंग के रूप में माना, मुस्लिम भाइयों ने संगे सद मक्का के रूप में माना, गुना साहब ने एक ओंकार कहा, उसके बाद में हम ईशा मसीह बात करें गॉड इज लाइट कहा. तो हर किसी ने पॉइंट ऑफ लाइट को ही परमात्मा माना है, इसीलिए यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ लाइट का फॉर्म है. वो हमारे ऊपर आप मानो कि वो आपके पास है. आज उन्होंने अपना हाथ आपके सर पे रखा है, वो आपसे टच हो गए हैं और उन्होंने अपनी सारी शक्तियां आपको दे दी है. सब मेरे साथ दोहराएंगे वही चीज पूरे मन के साथ, पूरी भावना के साथ, पूरे जोर ला करके. ये पूरा एनर्जी चेंज हो जाना चाहिए इस हॉल का. थैंक यू गॉड, आपकी ब्लेसिंग से मैं इस विश्व में सबसे एक्टिव हूं, अलर्ट हूं, एक्यूरेट हूं, डिसिप्लिन हूं, डिटरमाइंड हूं, ऑनेस्ट हूं. हे ईश्वर, आपका धन्यवाद जो आपने मुझे और मेरे परिवार को हेल्दी बनाया है, हैप्पी बनाया है, वेल्दी बनाया है और रिस्पेक्टेड बनाया है. थैंक यू गॉड, आपकी ब्लेसिंग से मैं इस विश्व में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, रैशनली, इमोशनली, इंट्यूटिवली, स्पिरिचुअली, इस दुनिया में मेरा किसी से कंपैरिजन नहीं है. हे ईश्वर, आपने मुझे दुनिया में बेस्ट रीडर बनाया है, बेस्ट लर्नर बनाया है, आपने मेरी मेमोरी ट्रांसपेरेंट बनाई है. मैं जो भी पढ़ता हूं तुरंत याद हो जाता है, मैं बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता. थैंक यू गॉड, आपने मुझे सब कुछ करने की शक्ति दी है. मैं हर समय एकाग्र रहता हूं, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता हूं, जो चाहता हूं उसे पा लेता हूं. मेरी हेल्थ अमेजिंग है. हे ईश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद. आपने मुझे इस धरती के सबसे अच्छे माता पिता दिए, सबसे अच्छे दोस्त दिए, सबसे अच्छे रिलेटिव्स दिए, सबसे अच्छे टीचर्स दिए, सबसे अच्छा स्कूल दिया, सबसे अच्छा शहर दिया, सबसे अच्छा प्रदेश दिया, सबसे अच्छा देश दिया. मुझे इस विश्व के लिए गर्व का कारण बना दिया. हे ईश्वर, मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी जिंदगी को साहस से, शक्ति से, धैर्य से, खुशी से भर दिया है. हे ईश्वर, आपने मेरे दिल में सबके लिए प्रेम दिया है. मैं सबको सहयोग करता हूं, मैं सबको प्रेम करता हूं, सब मुझे प्रेम करते हैं, सब मुझे सहयोग करते हैं. मेरा हर काम टाइम पर होता है, सफलता सदा मेरे कदम चूमती है. मैं अमेजिंग हूं, सबको मुझ पर गर्व है. हे ईश्वर, आपने मुझे शानदार जिंदगी दी है. मैं इस जिंदगी में दुनिया में अपना नाम रोशन करने के लिए पैदा हुआ हूं. हर मैगजीन में, हर न्यूज़पेपर में मेरी सफलता की कहानियां भरी पड़ी हैं. सब मुझ पर गर्व करते हैं, सोसाइटी मुझ पर गर्व करती है, ये विश्व मुझ पर गर्व करता है. हे ईश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद. आपके वरदानी हाथ के नीचे, आपके मार्गदर्शन में, आपकी छत्र छाया में मेरी जिंदगी आसान बन गई है. मैं जो पाना चाहता हूं पा सकता हूं. मैं इस धरती पर जीतने के लिए पैदा हुआ हूं. मैं जीत कर रहूंगा, मेरी हार असंभव है. हे ईश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद. जो भी मेरे दोस्त हैं, जो भी मेरे साथी हैं, जो भी मेरे संबंधी हैं, वे सब भी इस दुनिया में खुशी से जी रहे हैं. हे ईश्वर, आपका मुझे ये सब कुछ देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद. God bless you.